أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون أنتما ومن اتبعكم الغالبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. जज़ाकल्ला। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। और हारून जो मेरा भाई है उसकी ज़बान मुझसे ज़्यादा फंसी है तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकज़ीब करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे कि हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच ना सकेंगे और तुम और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहोगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ मदीहा नकवी, मेरे साथ नूर भाई आपके साथ मौजूद हैं। नूर भाई तो डबल ड्यूटी देते हैं, आपके साथ सेरी में भी मौजूद होते हैं। तो जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो वो भी आपके साथ होते हैं और जब रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं तो भी आप लोग हमारे साथ होते हैं। यही देखिए, एक तरह से एक फैमिली होती है जो हमारे घर में होती है और एक फैमिली होती है जो आप लोग हमारे हैं कि जिनके साथ हम अपना ज़्यादातर वक्त बिता रहे हैं और ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आज हम स्पेसिफिकली ज़रा शरई लिहाज से भी जानने की कोशिश करेंगे कि फैमिली उसमें मसला है कि उस वाली फैमिली को हमारा पता होता है, आपको पता नहीं होता बल्कि उनको तो बाद वक्त लग पता भी जाता है, इसलिए कि वो कहते हैं ना, राह पे जाने रे वाह पे जाने। हाँ। या तो आप किसी के साथ डील करें, मामला करें तो पता लगता है, या आप सफर करें किसी के साथ। बिल्कुल जी, हजरत अली का ये कौल है कि अगर किसी को जानना चाहते हो तो या तो उसके साथ तुम तिजारत कर लो या उसके साथ सफर कर लो, तो वो जो भी शख्स है ना तो उसका आपको पता चल जाता है। अच्छा, फैमिली में आजकल हम अपने देख रहे हैं कि वो जो पहले फैमिली यूनिट्स होते थे अब वो वैसे फैमिली यूनिट्स नहीं है। ठीक है, आजकल के दौर में वो भाई जो कि ज़्यादा अमीर है वो उस भाई को थोड़ा इग्नोर करता है और कम मिलना चाहता है कि जो कि उसके लेवल का नहीं है, अल्लाह माफ करे, ये भी है जो उसके स्टेटस का नहीं है, जो भाई माड़ा है ना उसको थोड़ा सा बेचारा पीछे रहता है, ये भी अपना स्टेटस को देख के भी चलते हैं। फिर फैमिली में वैसे भी इख्तलाफात, अगर देखें वो खवातीन जो घर से बाहर, लेकिन जमीन और घर में वक्त के बदलने में कोई देर नहीं लगता। जैसे सूरह कहफ में वो जो जिक्र है वो दो बागों का, और वो ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे होने में कितनी देर लगेगी। और हमारे वो नसीमुद्दीन बेग साहब कहा करते थे कि ऊपर की तरफ जब आप जा रहे हो ना तो जाते हुए उन लोगों को याद रखें क्योंकि वापसी में उन्हीं से मुलाकात होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये बड़ा जरूरी है। वो कैसे आप आंखें मिलाएंगे अगर आपको भूल जाए। कहते हैं ना ऑलवेज कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, मतलब ये ना हवा में हो, हां मतलब तभी तो मेरा ग्राउंड फील करेंगे। पंजाबी का एक मुहावरा वो आप एंजॉय करेंगी, हम सुनते थे अपने अब्बा से कि क्यों मसाइल पैदा होते हैं। वो कहते हैं जी ओ टिड्डा जी तू ही पुत्र तू ही ती, कि अगर सिर्फ यही आपका ज़िंदगी में सिलसिला रह जाएगा ना कि खुदगर्जी के साथ, तो खुदगर्जी से ना रिश्ते निपते हैं, हाँ। ना ज़िंदगी गुजरती है और ना वो कोई ज़िंदगी होती है, बिल्कुल बेगर्जी के साथ ही गुजरती है ज़िंदगी। तो आज स्पेसिफिकली आज हम आपकी कॉल्स लेंगे, बहुत जो घरेलू मसले मसाइल होते हैं। और जैसे एक बार मुझे याद है हमारे इस्लामाबाद से एक भाई ने कॉल की थी और वो अपनी ऐसी ही फैमिली की एक टेंशन की वजह से वो अपनी वालदा से दूर थे। उन्होंने कहा कि जब वो अपने बहन भाइयों की मदद करते हैं, वो बहन भाइयों को राज़ी कर देते हैं, उनकी माँ राज़ी हो जाती है, वरना उनकी माँ जो है वो ना उनसे बात करती हैं ना उनकी बेगम से बात करती हैं, तो एक कंडीशनल से सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर वही वाली बात ना कि वो जो भाई थोड़े से ज़रा दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जो थोड़े अच्छे स्ट्रांग हो, और साथ में जब जायदाद साथ में अटैच होती है, फिर हम देखते हैं कि जी फैमिली यूनिट्स कैसे दबा होता है कि घर में कोई बच्ची आप ब्याह के ले आए हैं या बच्ची कहीं ब्याह के चली गई है, तो ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आज हम उसका शरई पहलू जानने की कोशिश करेंगे। ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि बाज़ वक्त जब आप जिससे झगड़ने लगते हैं, ये हम बोलते हैं माँ जाया कौन सा होता है, वही जिसको माँ ने जन्म दिया, आपको एक ही माँ ने जन्म दिया। तो ये इख्तलाफात से पहले फ़ौरन ये याद रख लिया करें कि ये जो मास है ना ये वो कभी जुदा नहीं होता, इससे ना उससे ये साथ ही रहना है। और फिर मौला अली करम वजह का ही फरमान कि भाई को सोना और दोस्त को हीरा कहा गया, और वो इस तरह कि सोना तो फिर किसी भट्टी में डलेगा फिर सोना बनेगा, हीरे में क्रैक अगर आ गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। हालांकि उसमें देखे कैसी ये भी विजडम की बात, और अच्छी मिसालें मौजूद है आज हमारे साथ। आपकी बड़ी अच्छी शो में आप देखते रहेंगे, बल्कि मदिया वो जरूर मेरा ख्याल कामरान जी शेख शोर वर्दी जिन्होंने रोज किरात करते हैं, मुझे मदिया ये जानती थी, मुझे पता लगा, और मैं बड़े प्राइड से आपको बता रहा हूँ। आप माशाल्लाह उन्हें देख रहे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। आज से 23 साल पहले 2001 में उन्होंने अपने भाई को किडनी डोनेट की, और आज दोनों खुश खुरम सेहतमंद जिंदगी गुजारे हैं। कामरान भाई आपके सामने, और सिर्फ इतना ही नहीं है, उन्होंने उनके भाई जो है उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने अपनी एक औलाद भी उनको दी। तो दिस इज वॉट ब्रदर्स एंड रिलेशनशिप्स आर फॉर। तो आज स्पेसिफिकली आज हम हवाले से बात करेंगे, और ये नहीं है कि मतलब सारी जगह हालात ख़राब हैं, हालात अच्छे भी। कामरान भाई की मिसाल आपने सुनी। मैं अपने ज़रा जो हमारे मोज़स गेस्ट हैं उनको भी ज़रा मदद करती चलूँ। डॉक्टर मैमूना मुर्तज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैमूना आपा। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी बहन जवेरिया आज अपनी बेटी आमीना के बगैर आई हैं। जवेरिया वैसे तो अच्छी लग रही, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह। So one word for all the quarrels and misunderstandings, और वो लफ्ज़ है इफ़हाम और तफ़हीम। अब ये होती कैसी है वो हमें नूर भाई भी बताएंगे और डॉक्टर मैमूना भी बताएंगे। बिल्कुल मैमूना आपा, नूर भाई अस्सलाम वालेकुम, जवेरिया अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर बाद हमें तकीब भाई भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर हम जब फैमिली की वैसे पहले सबसे पहले तुम यूनिट के वाले से बात करते हैं, अगर हम शरई एतबार से देखें तो फैमिली यूनिट कैसा होना चाहिए। मैं तो जैसे शो के आगाज़ में भी नूर भाई से बात कर ली कि नूर भाई मेरा तो बेटा मुझे बहुत डर लगता है, तो अल्लाह मैं कहती अल्लाह करे मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, बस मैं तो एडजस्ट कर लूँगी। मुझे घर से 2 बरस की अभी मैंने कहा आपको, लेकिन वो टेंशन इतनी है मुझे होती है कि पता नहीं बस अल्लाह करे नेक और सॉले रहे। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या डेफिनेशन है? मदिया की तरह माँ भी होनी चाहिए और सास भी होनी चाहिए, सास भी कभी बहू थी। जी जी बस ये भी मसला है। बात ये है फैमिली जो है ना ये एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्या अच्छी बात आपने, मजबूत करने के लिए ये एक दूसरे की ताकत होते हैं, कमजोरी नहीं। ये ना बनाएं कभी कमजोरी, बिल्कुल। और ये आप ये ऐसी जगह है फैमिली आपकी जिसमें आप जो एक्चुअल है ना आप वो नजर आते हैं, और वो अंदर से आपका बाहर खुद ब खुद निकल आता है। आप घर से बाहर जाएं, आप कहीं, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यही बात हो रही थी, हम एक और हमारा एक हुलिया होता है कि हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिलीजियस सिर्फ गुफ्तगू करेंगे तो हमारा ये एक पहलू है। हम बाहर निकलेंगे, हम शॉपिंग के लिए गए हैं तो हमारा एक ख़रीदार कैसा पहलू है। लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो हम माँ भी हैं, बहन भी हैं, बीवी भी हैं, बेटी भी हैं, दोस्त भी हैं, और उसी वक्त कोई ऐसे रिश्ते भी हैं जिनसे इख्तिलाफ भी है, कोई पसंद है, कोई ज़्यादा पसंद है, कोई नापसंद भी है। अब जो नापसंद है उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसको कैसे एकोमोडेट करना है, जो पसंद है उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है। जो बहुत प्यारा है, 2 साल का है, लेकिन उसके मुस्तकबिल का प्लान हो रहा है, हाँ। तो उसको कैसे तरबियत करना है, ये सारा कुछ थोड़े वक्त में, मगर वो जगह ऐसी है, वो रिश्ता ऐसा है, वहाँ एक साथ सारा कुछ चल रहा होता है। बर्तन भी इकट्ठे हो तो वो बच जाते हैं। वो नूर भाई वो कहते हैं वो रिश्ते आपकी कमजोरी भी तब बनते हैं जब आप उनसे इतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं कि आपको लगता है खुदा न खास्ता मोहब्बत से ज्यादा तवक्कुआत है। हाँ, मोहब्बत तो बिल्कुल जेन्युइन है। तवक्को भी ना करिए, मतलब नहीं नूर भाई, तवक्को तो हम करें, हाँ। वो हमारा हक है, लेकिन होता क्या है कि हम जिस तरह प्यार करते हैं ना, आप अगर बहुत मुखलिस हैं, बेलौस हैं, तो आप जवाब में वही चाहेंगे, ठीक है। अगर मद्दे मुकाबिल उतना बेलौस और मुखलिस नहीं है तो आपकी तवक्कुआत जो हैं, आपका वो हक था, क्योंकि आप वैसा कर रहे हैं ना, और आपको जवाब में भी चाहिए। मशरूत तो ये नहीं ना आपको, हालांकि वो कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, वो आप सही कह रहे हैं। और देखिए मोहब्बत जो है ना, वो कभी भी जवाब हमें मोहब्बत नहीं भी मिले ना उतनी, बस एक आपको सिर्फ एक्नॉलेज कर दे कोई कि हाँ जी हमें पता चलता है आप मोहब्बत करते हैं, आप उस पर भी तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी तवक्कुआत टूटती हैं तो आप मायूस हो जाते हैं। लेकिन मैं कभी सोचता हूँ मुहिब और महबूब में, महबूब का तो प्रोटोकॉल होता है, वो कहते हैं भाई करो या ना करो, मैं तो महबूब हूँ, तो मुहिब को ही मोहब्बत करते रहना होता है। वैसे आपकी जाती वजह से ही पूछूं, आपको क्या लगता है कि मुहिब होना ज़्यादा मुश्किल काम है या महबूब होना ज़्यादा मुश्किल काम है? आपकी जाती राय, मुहिब होना मुश्किल है, मुहिब होना मुश्किल है। नूर भाई आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महबूब के भी अपने तकाजे होते हैं, मुहिब के अपने तकाजे, लेकिन फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। महबूब वो जिससे मोहब्बत की जाए, मुहिब वो जो मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत करने वाले भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिससे मोहब्बत की जाए उससे भी ज़्यादा किसकी होती है? जो मोहब्बत कर रहा है, जो मोहब्बत कर रहा है उसका ज़्यादा इंतहा होता है। महबूब तो बंसी में जा रहा है, मतलब वो तो कहता है, क्योंकि वो जिस तरह क़ाज़ी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है ना। एक मरतबा आप जा रहे थे, आपने किसी ने पूछा कि महबूब बनना चाहिए मुहिब बनना चाहिए? कहने लगे कि मैं अपनी वालदा से पूछूँगी। वालदा ने कहा कि जिसने तुमसे सवाल करा उससे पूछो। एक दुर्वेश थे, वापस उनके पास गए, कहने कहा था ये बताइए महबूब बने या मुहिब? ना बेटा, मुहिब बनोगे तो अकेले पड़े रहोगे, महबूब हो गए तो तुम्हारे बारे निहारे होंगे। वैसे दुआ ये करनी चाहिए कि हम महबूब बने किसी की। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि औलाद के बाद ना ये पता चलता है कि जब पेरेंट बनने के बाद सबसे पता चलता है कि जो असल में जो महबूब, और शायरों ने भी शायद जिसका जिक्र किया, वो औलाद ही है। वो माँ के लिए ज़्यादा है, वो माँ को हमेशा, जो मर्द का, शफाक साहब कहते थे, वो बच्चे से मोहब्बत करती है, हाँ। और मर्द, वो कहते थे वो नारकली बाजार में देखो वो तो मोहब्बत करता चला जाता है। एक्सपेक्टेशन थी। मैं नूर भाई जैसे आपको एक पर्सनल ज़ाती मिसाल देके बताती हूँ। कल जैसे मैं एक जगह पे मौजूद थी, तो वहाँ पे डिस्कशन जो थी, उन्होंने कहा कि हाँ बच्चे जब आपके पढ़ जाएँ, जवान हो जाए, फिर आप बच्चों को जाने दें, वो फिर आप घरौंदा छोड़ के जाने दें, वो बच्चों की ज़िंदगी, बच्चे जो मर्जी करते हैं। क्या वैसे फैमिली यूनिट का देखा जाए तो क्या ऐसा ही है, मतलब वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को ज़िंदगी में पाला, पाल पोस के जवान किया, हम उनसे कहते हैं चलो ठीक है बहू आ गई, उसको हमने अलहदा कर दिया, और माँ बाप जिस उम्र में उनको ज़रूरत है वो तन्हा हो गए। हमारे शरई फैमिली यूनिट का तस्वुर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शरई फैमिली का तस्वुर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि कोई शख्स सुबह उठकर माँ और यानी बेटे को, बेटी को तस्वुर ये दे दिया रहा है इस्लाम के अंदर कि तुम हज के लिए जाते हो, अगर तुम सुबह उठकर अपने माँ और बाप को मोहब्बत से देखते हो तुम्हें हज उम्र के बराबर सवाब है। और देखना ही खाली देखें हमें कितना बड़ा है। और फिर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दावतुल वालिदैन अलअदब अलमुफरद के अंदर है कि अगर वो हाथों को उठा दें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करता। और फिर मूसा कलीमुल्लाह के हवाले से एक ईसाई रवायात के अंदर है ना, वो जाते थे कोहे तूर पर, जब वालदा का इंतकाल हो गया तो आवाज़ आती है मूसा अब संभल कर आना, तुम्हारे पीछे अब वो हाथ नहीं है जो तुम्हारा, जब तक तुम वापस नहीं आते थे तुम्हारे लिए हाथों को बुलंद करके दुआ मांगते। अगर वालदैन मुस्कुरा के आपको देख लें तो वो क्या है? सर अगर आपसे वो राज़ी हो जाए तो आप अहले जन्नत में से। ये भी हदीस है, हदीस है जी। मैं हदीस सुनाता हूँ अल्लाह अलमुफ़्रद के अंदर, रिदा अलवालिद रिदा अल्लाह व सख़त अलवालिद सख़त अल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया जिसके वालिद राज़ी हो जाए उससे अल्लाह राज़ी, और जिससे वालिद नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। यानी वो पलट कर आप पर हाथ रख दें और आपके लिए दुआ कर दें तो वो फ़र्श से अर्श तक चली जाती है। ये तस्वुर जो आप कहती हैं ना फैमिली यूनिट का, वो फैमिली यूनिट का तस्वुर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब हमें बार बार पेश करते हैं। आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि वो टूट रहे होता है, उसकी वजह 18 साल की उम्र में। अच्छा कॉलर हमारे साथ हैं, उनको लेते हैं। रियाज खान साहब हैं कराची मॉडल कॉलोनी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी 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 रियाज साहब। तो बात यह है कि आज आपसे ये पूछते हैं जो हम बैठे हुए हजरात कि लड़ाई जो है वो जिस तरीके से एक दो भाई हैं या तीन भाई हैं और एक दो बहनें हैं है ना, उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो कहते हैं कि हमने जो देना था वो जहेज में आपको दे दिया, ठीक है, मतलब जो भी खाना वाना जेवर वगैरह, अब आपका कोई जायदाद में हिस्सा नहीं बनता, जिसकी वजह से लड़ाई या घर में शुरू हो जाती है। या अपने कहते हैं अगर बहन कहती है कि मेरा हिस्सा मुझे दें और वो भाई कहते अगर मैंने आपसे ले लिया तो मेरी जिंदगी भर आप ले तो लेंगे लेकिन जिंदगी भर मेरे आपके साथ ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, मेरे लिए आप मर गए मैं आपके लिए मर गया। तो ये मुझे बताएं कि इस्लाम में डिटेल से जरा उन भाइयों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए बताएं कि आखिरत में क्या होना है उनके साथ। सिर्फ आपको ये अर्ज करूँ ऐसा वक्त ही ना आए कि बहनों को कभी कहना पड़े और ऐसे भाई जो हैं वो तौबा इस्तगफार भी करें और ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग से भी बचें। बड़े हटके बड़े प्यारे भाई तकी बहनों में ज्वाइन करें, अलामा तकी में जी भाई अस्सलाम वालेकुम बहनों में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम तकी भाई अस्सलाम व खैर खैर साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। नूर भाई आपने रियाज साहब की बात सुनी, मैं देखिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अब आपके गले में अगर 5 किलो का वजनी पत्थर हो तो आपकी कैफियत क्या होगी? जी मैं तो झुक जाऊंगा और कमर पे सारी जगह बोझ पड़ रहा होगा। अगर वो 1 मन का हो मैं मर गया तकरीबन, अगर वो 200 मन का हो फिर तो मरता ही जाऊंगा। अगर पहाड़ जितना हो अल्लाह माफी तो क्रश हो गया, K2 पहाड़ जितना हो पता नहीं फिर क्या मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी का 1 बालिश ज़मीन या हक मारता है ये 7 ज़मीन उसके गले में तोक बना के डाला जाएगा। 7 ज़मीन उसके गले में तोक, 7 ज़मीन उसके गले तोक बना के डाला जाएगा। कहाँ रहेंगे आप? और फिर एक हदीस है जिससे मैंने भाई ने कि लोग माफ़ नहीं करते, वो हदीस पढ़ी तो कैफियत अजीब हो गई आपा। उसमें यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो माफ़ नहीं करते रिश्तेदार उनसे कह दो कि वो हौज़ कौसर मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। और देखिए ये कितना डेंजरस है कि तुम्हें हिस्सा मैं दे तो देता हूँ, इसके बाद तुम मेरे लिए मर गई मैं तुम्हारे लिए मर गई। लाहौल वाला बिल्ला। लेकिन वो 2 जंगें होती है ना ख़ानदान के अंदर, एक होती है सर्द जंग, एक होती है गरम जंग। गरम जंग ये होती है मुकदमेबाजी होती है और दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए रवादार नहीं होते। हद तक यहाँ तक ख़ानदान में होता है कि अगर तुमने बड़े भाई को बुलाया शादी में तो मैं नहीं आऊँगा जी। और फिर ये भी होता है ज़माने में देखा कि जो साथ खेल रहे होते हैं नूर भाई उनकी मैयतें उड़ जाती हैं, बहन लोग नहीं आते जनाजों पर नहीं आते। हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करें ख़ानदानी मसले मसाइल के हवाले से। पहले ख़ानदान की डेफिनेशन क्या है जरा इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमने जो शरई एतबार पर उसमें गुफ्तगू की है इमीडिएट फैमिली भी कहते हैं हमारे, उनके टुवर्ड्स हुकूक क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, इस पर हम बात करें। तकी भाई आपसे जानना चाहें क्योंकि हम अभी उसी पर बात कर रहे थे कि जी शरई हमारे पास क्या आ जाता है कि फैमिली यूनिट कैसा होना चाहिए, जो बहन भाई हैं उनके आपस में क्या हुकूक हैं, शादी के बाद भी उनके आपस में क्या हुकूक रहते हैं, और क्या ये है कि आपके बच्चे की शादी हो जाए तो उसके बाद ठीक है आप उसको बिल्कुल एक अलहदा से यूनिट दे दो वो आपसे अलहदा हो जाए, माँ बाप वो अलहदा हो जाए दे दो नहीं मेरा मतलब कि वो बना ले नादरा ट्री जो है उसी तरह ही आप कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर कोई शादीशुदा शख्स है तो उसके लिए जो चीज़ें वाजिब हैं वो बीवी और औलाद का नानो नफ़का है, और इसके अलावा माँ बाप का ख्याल रखना, इसी तरीके से बहन भाइयों का ख्याल रखना वो वाजिबात के अंदर नहीं आता, सिवाय ये कि माँ बाप ख़ुद ऐसी कंडीशन के अंदर हो कि वो कमाने के काबिल नहीं है और उनके पास कोई ऐसी सेविंग भी नहीं है कि जिससे वो अपना गुजारा कर सके, तो उनका भी नानो नफका फिर औलाद के ऊपर वाजिब। अच्छा नानो नफका जो है इसका मतलब अखराजात या खर्चा है जरा ये भी जी। असल में ये जो लफ्ज़ है नानो नफका तो लगता है कि रोटी और तो इसका मतलब ये कि जो स्टेटस के मुताबिक लाइफ स्टाइल है वो टोटल प्रोवाइड करना, जिसके अंदर सफर के खराजात भी शामिल हैं, होटलिंग, आउटिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं कि जो उनकी स्टेटस के मुताबिक ये वाजिब है। ये वाजिब है। अब लेकिन उनका वो जो स्टेटस है वो तो उसी से ही है ना, उसी बंदे से। जी जी जी, ऐसे ऐसे होगा दोनों के स्टेटस को, यानी जो मर्द है वो अपनी आने वाली दुल्हन की स्टेटस के मुताबिक उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करे। नहीं, ऐसा मतलब अगर वो बड़े खानदान से है तो वो, अगर छोटे से हो तो जी तो भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ उसको प्रोवाइड करे कि जो उसकी स्टेटस के मुताबिक, और उतना वो कमाए। अगर कमा नहीं सकता तो बहरहाल जिम्मेदारी उसकी उतनी है कि जितना वो कमा रहा है, वरना जिम्मेदारी ये बनेगी कि जहाँ से वो लड़की लेकर आया है, जो उसका लाइफ स्टाइल था, जो उसका स्टेटस था, उसके मुताबिक गुजारे। लेकिन अल्लाह साहब उसमें मोहब्बत कहाँ गई? जैसे उसने भी तो बकायमी होशो हवास हाँ का होगा ना निकाल के लिए। तो हम उसको पता ही होगा कि दोनों अपने अपने हक की बात करें, जहाँ दोनों अपने अपने हक छोड़ देने की बात करें, दिल से हो तो वो उनका अपनी कॉल। जी जी करेक्ट। अगर मोहब्बत पैदा हो जाए तो इसके अंदर नथिंग लाइक इट, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं। फिर तो और उसके बाद फिर माँ बाप की बात, जब सेकंड हम स्टेप की बात करें तो उसमें बहन भाइयों के हुकूक आ जाते हैं, और उसके बाद फिर जो दीगर रिश्तेदार है, चाचा है, मामू है, पुप्पी है, खाला है, इनके हुकूक आ जाते हैं। और उसके बाद जितना जितना ये हम फासला इख्तियार करते जाएंगे वो सब भी रिश्तेदारों के अंदर है। अतः इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि आप अपने पूरे ख़ानदान के 500 अफराद की किफालत किया करते थे। 500, यानी कोई ये जीरो बढ़ जाने से हमें समझ लीजिएगा कि ये 5-10 अफराद की बात हो रही है। 500% जो उनके ख़ानदान के थे उनकी किफालत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किया करते थे। तो जितना इंसान के पास परवरदिगार ने वसअत दी है उतना खर्च करे। मौला अमीर कायनात का भी जुमला ये है कि तज़व्वजतु फ़ातिमा वमा कान ली फ़िराश, जब मेरी शादी हुई थी बिन्त रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से तो हमारे घर में फ़िराश और फ़र्श मौजूद नहीं था। उसके बाद ऐसे ऐसे हमारा जब मकाम मरतबा और जैसे जैसे हमारे माशी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हुई, अलबत्ता उस वक्त तक शहजादी का विसाल भी हो चुका था, तो फरमाते उस वक्त हमारी कैफियत ये हो गई थी कि सदाक़तियल यौम लौ क़ुसिमत अला बनी हाशिम लवसअतहुम, अगर हम उसे बनी हाशिम में यानी पूरे ख़ानदान बनी हाशिम में तकसीम करते इतना माल मौजूद था कि सब के सब अमीर हो जाते। अल्लाह अकबर। तो वो जो कहा जाता है कि रिस्क जो है वो लड़की से होता है और औलाद मर्द से, ये बात किसी तक दुरुस्त है? इसका बेशक बिल्कुल इसी तरीके से है। और कल भी जो एक बच्चा आया था जो स्पेशल केस हम उसको कह सकते हैं, तो इस तरह के जो मामलात होते हैं उससे रिस्क में बेतहाशा इजाफा होता है। कुछ क्लिप्स हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। वो बच्चे को बहुत हाई क्लास लैंड क्रूजर गाड़ी के अंदर खुद बिठा रहा है, खुद उसको खिला रहा है, खुद उसके नाज उठा रहा है, हालांकि बच्चा बिल्कुल अपाहज सा माजूर सा महसूस हो रहा है। तो उससे सवाल किया एंकर ने कि भाई आप ये काम क्यों करते हैं? तो कहा कि जितना आप आलिशान मकान देख रहे सब इसके बाद हमें नसीब हुआ है, उससे पहले। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है सखावत अली खान बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम सखावत भाई। जी वालेकुम सलाम। मदिया क्या हाल है? अल्लाह आप खैरियत से खान साहब? जी सखावत भाई आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा एक काम कर दीजिए, पीछे टीवी की आवाज बंद कर दीजिए ताकि आपको हमारी आवाज क्लियर सुनाई दे, ठीक है? और फोन से सुनिए। बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा क्या पूछना चाहेंगे सखावत भाई? दो भाइयों के दरमियान बहुत ही झगड़ा है कि जो बड़ा भाई है वो आए रोज कोई ना कोई झूठी बात करके छोटे भाई को कसूरवार बनाता है। छोटा भाई आए रोज बर्दाश्त करता है, वो फिर भी आए रोज उनसे लड़ाई करने की कोशिश करता है। अच्छा सखावत भाई एक सवाल पूछूं आपसे? मैं अभी पूछना वही चाह रहा था। ये आपके घर में मसला है? जी जी। अच्छा ठीक। और आप छोटे हैं या बड़े? मैं छोटा हूँ। अच्छा छोटे। और ये कब से सखावत भाई? जी। अब कब कितने सालों से किसी और बहन भाई ने कुछ सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की? जी जी दूसरे जो है वो ये मसला ये बिल्कुल ये झगड़ा खत्म करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा भाई ये नहीं सोचता कि वो आए रोज कोई नया कोई नई बात करके लड़ाई करने की कोशिश करता है। अच्छा अगर सखावत भाई आप बुरा ना मनाएं, मुझे आप बताना चाहेंगे कि जो आपका क्लैश है वो किस चीज़ पर है? किस वजह से झगड़ा है? ये घरेलू झगड़े हैं ना, कुछ ऐसी बातें हैं कि वो ठीक है हम आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया सखावत भाई। आपको पता है फारसी का एक मुहावरा, आपको तो फारसी में पता हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, वो पतरस बुखारी और जुल्फ़िकार बुखारी साहब के दरमियान, तो किसी ने कहा उनसे जुल्फ़िकार बुखारी साहब से जो ज़ेड बुखारी कि भाई वो तो कहते हैं कि बंदा कुत्ता हो जाए छोटा भाई ना हो, तो उन्होंने कहा इसको दुरुस्त कर ले, बंदा कुत्ते का छोटा भाई ना हो, मतलब वो सग में कुछ करके वो एक होता है, फारसी में था वो शायद, वो गधे से था सग के साथ कुछ करके, ठीक है। तो वो ये वाली भी आ जाती है। मैं उन्हें पर मुझे बताएं, जैसे अभी भाई के मैं कॉल आई थी, मैं क्योंकि मैं तीनों उसके पास जाऊँगी और एक मसला है, चले ठीक है, कहते बड़ा भाई, अब से बाकी बहन भाई को क्या किरदार बनता है, और उस छोटे भाई पे भी बड़े भाई की अतात कितनी वाजिब है। असल में मलिया हमारे यहाँ जब तक माँ बाप होते हैं ना, वो इस तरह से पूरा फैमिली बॉन्ड को बांध के रखते हैं कि सारे इख्तलाफात, सब झगड़े, सब दबे रहते हैं। उन्हें पता होता है ये बच्चा गुस्सीला है, ये बच्चा नरम है, ये सख्त है, फिर भी वो उनसे उनकी बात नहीं होने देते, पहुंचने नहीं देते, या नरम करके भेजते हैं। और वो हम लोग जब तक एक चूल्हे पे बैठ के खा रहे होते हैं, माँ के हाथ का, वो हमें इन सारी चीज़ों की हवा ही नहीं लगने देते। यहाँ माँ बाप का चला जाना पहली बेबरकती होती है घर में, उनकी रहमत और उनकी बरकत। और इसीलिए ये दुआ भी है, वो दुआ भी ये है हमारे यहाँ जनाजे की जो, उसमें यह है कि इलाही हमें इनकी बरकत और रहमत से महरूम ना करना। वो घर से वो रहमत और बरकत उस बुजुर्ग के साथ चली जाती है, जैसे जिस्मानी तौर पे, लेकिन आप रखते कैसे ताल्लुक है वो बड़ा मैटर करता है। अब ये है कि आपकी तरबियत, इस दुनिया का माहौल और आपकी ज़ाती शख्सियत अब खुल के वाजे होती है। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए बड़ा ही सबसे ज़्यादा, असूल तो ये बनता है कि बड़े वालदैन की जगह ले लें, बड़ा भाई बाप बन जाए, बड़ी बहन माँ बन जाए। उसूल तो ये है कि वो बिल्कुल बच्चों में बड़ी बहन माँ जैसी, और बिल्कुल, और उसमें ये होता है कि इनके आपस के झगड़े होने ना दें, उनकी तकलीफ भी वैसे माँ बाप की तरह उनके सर पे हाथ भी फेरें, लाड प्यार भी उठा लें, दिल उतना बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बड़ा ही गड़बड़ कर रहा है और ये ठीक कह रहे हैं, तो फिर जो बाकी सब हैं उन्हें चाहिए कि वो मिलकर, इनको छोड़कर, वो मिलकर ये कहें कि ये ज्यादती हो रही है। और या जो खानदान के बड़े हैं, फूफी, चचा, खाला, मामू, वो इसमें दखल दें और कहें कि आप ज्यादती मत करो, अब बाप बनो और उसे समझाएं। लेकिन आप दोनों से, मैं आपसे भी हमने चुके ये बात सुनी थी कि हर बंदे से तो उसका हिसाब होगा ना, अगर कोई गलत कर रहा है तो ये जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं कि आप भी गलत करने लगे। मैं ये भी आप दोनों से चाहूंगा जरा इस पर भी रोशनी डालें। देखिए खानदान में जाने से हमारे घर भी एक दस्तार बंदी होती है, जिससे जो वाले चले जाते हैं, जो सबसे बड़े बेटे उसको दस्तार पहनाई जाती है, तो फिर उस पर भी कितना कुछ, वैसे आदत में चलते उसके हुकूक की बात भी करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नूर भाई उस बंदे की। बिस्मिल्लाह, पहले एक हदीस बयान कर दूँ फिर आपको जवाब देता हूँ। क़यामत के दिन फरिश्ते ऐलान करेंगे कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अहले फजल जन्नत में चले जाएं, अहले फजल जन्नत में चले जाएं, अहले फजल जन्नत में चले जाएं, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए। फिर एक फरिश्ता पूछेगा उन अहले फजल से, भाई तुम करते क्या थे कि तुम्हारी तरफ रब की तरफ से एक ख़ास प्रोटोकॉल है तुम्हारे लिए आज के अहले फजल जन्नत में चले जाएं। वो कहेंगे हम अपने रिश्तों को जोड़ने वाले थे, हमसे कोई ख़ताए, वो अहले फजल हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं, फजल हैं। और अहले साबरीन का भी ऐलान होगा। तो अहले साबरीन कौन है? फरमाया हम जितना जोड़ते थे वो उतना तोड़ते थे, और हम अपने रब की वजह से सब्र करते थे, तो अल्लाह ने हमें अहले साबरीन का मकाम दिया है। अहले फजल के बाद अहले साबरीन की जन्नत के अंदर एंट्री होगी। तो ये लोग कि जो सब्र करते हैं, देखिए जिस तरह मुझे रब्बे ज़ुल्जलाल ने हुक्म दिया कि मैं रिश्तों को जोड़ूँ। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफसिदूना फ़िल अर्द, को वो लोग जो रिश्तों को तोड़ते हैं वो खसारे के अंदर हैं। अल्लाह सुबह एक हदीस के कुरान की आयत ज़ुमर के अंदर है कि ऐसे लोग अल्लाह की लानत के मुस्तहिक़ हैं। फिर आपका सवाल कि वो जो शरीयत चाहती है कि जब आप बड़े हैं तो आप मिसले वालिद हैं, बड़े बन के भी दिखाएं, फिर आप बड़े बन के भी दिखाएं, आप पे तमाम जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह हदीस के अंदर है ना, आपने सुना होगा कि जिसकी बहनें, एक हदीस में बेटियां और बाप का इंतकाल हो चुका है तो अब छोटी बहनें, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपनी बहनों का ख्याल रखता है, उनकी शादी करवाता है, मैं और वो मोहम्मद इस तरह होंगे। तो कितनी बड़ी बात, बहनों के हवाले से, बेटियों के साथ भी है, बहनों के हवाले से भी है। और फिर एक हदीस है कि शिकायत करने आए नबी अलैहिस्सलाम के पास कि रसूलल्लाह मेरा छोटा भाई का काम नहीं करता। आपने फरमाया बुलाओ, लेके आए। हुजूर ने खुद देख के फरमाया कि जो तुम्हें रिस्क मिलता है ना, वो तुम्हें छोटे भाई की वजह से मिलता है। अगर हम ये चीज़ें पॉजिटिव सोच लें, माफ़ करने का जज्बा लेके आएँ। हमने ये सुना है कि नबी इस्लाम उससे शदीद नाराज़ होते हैं, रिश्तों को तोड़ने वाला होता है। और ये जहन में रखें, जिस तरह अभी बात शुरू में आपा ने बड़ी प्यारी की थी, मैं आपसे, आप ये मेरे सगे भाई हैं, तकी भाई मेरे भाई हैं, मैं इनसे मिल रहा हूँ ना, मैं सिर्फ इसलिए मिल रहा हूँ कि मुझे ये पलट के कुछ ना कुछ दें। मतलब के लिए भी जो लोग मिलते हैं, ये वो तवक्को जो आपके लिए, तवक्कात को छोड़ें। जब मैं इनसे मिलूं, फर्ज भी बात करें, जब इनसे मिलूं तो मेरे ज़हन में मुझे रब्बे ज़ुल्जलाल ने हुक्म दिया है, जब मैं रब्बे ज़ुल्जलाल के हुक्म की वजह से करूंगा तो ये कुछ भी करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक बात और भी मुझे आपकी इजाज़त से कहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ जब कोई मुग़ल्लज़ात बकी जाती है, गाली दी जाती है, या माँ और बहन के हवाले से, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर आपको जाते हुए आपकी ये वजह शोहरत हो कि इसने बहनों का हिस्सा खा लिया है, आप कहाँ किसको शक्ल ना दुनिया में दिखा सकेंगे ना आखिरत में दिखा सकेंगे, ये सोचते हैं। और फिर बड़ी बड़ी मज़ेदार तौजीहात है कि जी वो वहाँ से वो दिया उसे ना करेंगे तो हमने इतना कुछ बेच के भेज दिया शादी की। अच्छा, वो जो बाप की और जो ने फजल की बात की, मुझे फजल की मानी बताएगा क्योंकि हम जो रोज़ा जनाब गाजी अलमदार के इसमें जाते हैं तो वहाँ तो लिखा हुआ है अबुल फजल अब्बास, तो जो वो फजल वो उसकी डेफिनेशन में ज़रा बताइएगा ना ज़रा। फजल का वैसे एक जुमले के अंदर अर्ज़ कर दें कि फजल एक मरतबा मुतरादिफ बनता है करम के, फजल करम यानी इनायत, जिसका जो हक़ नहीं बनता था वो उसको अता करना। जिस तरीके से कुरान करीम की आयत है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा, कि परवरदिगार हुक्म देता है अदल का, एहसान का यानी फजल करम का, और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का। तो ये जो तरतीब भी रखी है बड़ी खूबसूरत तरतीब है। अदल का मतलब ये होता है कि जिसका जो हक बनता है उसको दिया जाए। मैंने चाय मंगवाई, जिसके जो पैसे बनते हैं उसको दे दिए, अदल हो गया। एहसान ये होता है कि जो जितनी कीमत थी उससे ज़्यादा मैंने अता किया। और उसके बाद रिश्तेदारों के हुकूक, आप तसव्वुर फरमाइए फिर रिश्तेदारों के हुकूक में क्या करना होगा। जब अदल से भी बढ़कर एहसान है तो एहसान से भी बढ़कर रिश्तेदारों के हुकूक, यानी उसमें इंसान को कितना छोड़ना है अपना हिस्सा और कितना लुत्फ करम करना है, तब ये रिश्तेदारों के हुकूक बाकी रह पाते। और एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, ये छोटे भाई थे, इन्होंने बर्दाश्त किया, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और जो है वो सारे घर वाले मिले हुए हैं, इनको कसूरवार ठहरा देते हैं। तो अगर कोई अपना अपने ऊपर इल्ज़ाम बर्दाश्त करता रहता है, सुनता रहता है, बुजुर्गवारी दिखाता है, खामोशी इख्तियार करता है, हदीस का जुमला ये है कि ऐसा छोटा होने के बावजूद भी बुजुर्गवार बन जाता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। परवरदिगार ऐसे शख्स को सरदार बना देता है। और एग्जाम्पल हमारे सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूद है, उनके सारे भाइयों में सबसे छोटे यूसुफ थे। और देखिए बर्दाश्त और तहम्मुल उनका ऐसा था कि खुदा ने फिर उनको सबके ऊपर सरदार बना दिया और फिर वो झुककर आ रहे हैं और ये सामने से बादशाह। कितना बड़ा सबक ये सूरह यूसुफ से ही, ये कितना बड़ा देखे खुद अपने मोहल्ले के अंदर महसूस करेंगे कि सारे भाइयों से दुकानदारों का मिलने का अंदाज और होगा, जो बर्दाश्त करने वाला होगा, जो जुल्म सहने वाला होगा, उससे लोगों के मिलने का अंदाज अलग होगा। यानी वो खुद लोग आपको ऐसी रिस्पेक्ट दे रहे होंगे कि आपका जो प्रोटोकॉल वो अलग है। फोन कॉल की तरफ जाने से पहले बताऊं, हमारी मोहतरमा नैयर रुबाब जो है उनके साथ अगर आपको सिखाने में जाना बड़ा डेंजरस है। वो ये कि उन्होंने एक रूल बना लिया है कि जितने का खाना खाना है उसमें वो जो वेटर है उसका 33% उसे देना। अच्छा, 100 में से 33 उन्होंने कहा फिर आप खाना भी उतना ही खाएं जितना वो कर सके। मैंने 2 बार, लेकिन ये कितना अच्छा है क्योंकि देना तो आपने उसी के दिए। यूजुअली हम चलते हैं 10-15%, अब तो बढ़ा के 20% आपने टिप वो कर दिए, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बड़ी बात। मलिक ताहिर साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र जी। आप क्या पूछना चाहेंगे ताहिर भाई? अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अक्सर आपका प्रोग्राम सुनता हूँ फैमिली और इस पे सलाहरहमी पे, माशाल्लाह आप लोगों की अच्छी काविश है। पहले तो आप दोनों को बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी। ये बुनियादी बातें हैं जो हमें मौलाना आजाद आमतौर पे नहीं बताते, ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक हैं। आपको अल्लाह अजर देगा इसका। मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा एक फैमिली बिजनेस है, अभी भी चल रहा है, और उसमें हमने मुश्तरका कोशिश से 20 साल लगा के एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया। हम 3 भाई हैं। तो जब ये बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहा था तो उसमें बड़े भाई का कहीं भी किरदार नहीं था, वो कहीं जाते थे। हमने इखलाकी तौर पे क्योंकि एग्रीमेंट एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप थी, उनका बड़े होने के नाते उनकी मिसेस के नाम से एग्रीमेंट लिखा। जॉइंट फैमिली थी, हम लोगों ने उस पर बड़े एफर्ट की, बहुत अच्छा वो हमारा कारोबार था। तो वो भाई साहब ने एक स्टेज आई, उन्होंने हमसे वो कारोबार, उनकी मिसेज के चूंकि नाम था हमारा, हालांकि आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट भी लिखा हुआ था, वालदा सारे लोग जिरगा भी हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन उन्होंने वो बिजनेस हमसे ले लिया। ठीक, सारा सारा ही बिजनेस हाँ उनकी बीवी के नाम। अच्छा, उनकी मिसेज के नाम था इब्तदाई तौर पे एग्रीमेंट। वो हमने तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में किया कि बड़े हैं उस लिहाज से। अच्छा, लेकिन वो उसमें बिजनेस में सारे पैसे हम लोगों के लगे थे, मेरी इन्वेस्टमेंट थी, काम मुझसे छोटे भाई ने 14 साल किया, वो तो कहीं जॉब में थे। तो वो हमारे दरम्यान उस वजह से नाराजगी चल रही है। मैं मतलब इतनी स्फेयर तो नहीं, लेकिन वो फिर एतबार और वो चीजें नहीं रहती। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मतलब ये चूंकि हकूक की बात है और वो बिजनेस अभी भी ऐसे ही चल रहा है और वो अपनी हरदर्मी पे कायम है। मैंने दरम्यान में कोशिश भी बहुत दफा की, वालदा को अजीजो अकारब ने भी कहा, तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि मतलब आपकी वालदा ने आपकी हेल्प की, आपकी वालदा तो हयात है तो आपके पास तो इतना बड़ा वकील है, तो आपकी वालदा ने हेल्प करने की कोशिश की, आपके बड़े भाई ने, फैमिली सारे लोगों ने कोशिश, अच्छा जी, लेकिन वो इस बात पे नहीं आए। मुझे अब जिस बात पे मुझे अपने आप पे होता है कि मतलब मेरी उनसे चूंकि बोलचाल नहीं है ना होने के बराबर है, हाँ। तो बात चूंकि हकूक की है तो क्या मैं उस जुमरे में आता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा मलिक साहब, एक तो आपकी खुशनीयती पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे आपकी जुबान में वो कंसर्न है ना, तो एक तो ये जो बातचीत आप शुरू करें, एक तो मेरा ये आपको मशवरा है और ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे साथ ये ख्याल आ रहा था कि जब वो आपने नाम अपनी भाभी की किया है तो खुदा न खास्ता को बैंकरप्ट या कुछ हो जाता और कोई ऐसी लाइबिलिटीज हो जाती तो फिर भी तो उन्हीं पे आ जानी थी ना? नहीं नहीं, हमने आपस में, हमने भाभी ने और हमने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट भी लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक हो, अब वो माने नहीं। नूर भाई तो देखिए मसला ये होता है, देखिए जज़ाकल्लाह, देखिए पहली बात जिस तरह भाई ने की कि उलमाए बयान नहीं करते, हमारा मसला ये होता है कि हमारी मसाजिद में लोग सुनने उस वक्त आते हैं जब हम जमात को खड़ा कर रहे होते हैं, उससे पहले जो खुतबा होता है, खुतबा जुम्मा, उसको आराम से वक्त नहीं मिलता। वाह बहुत अच्छी बात, आप उलमा अपनी बातें करते हैं जो खामा का। अब ये जो कारोबार कर रहे थे, इनको चाहिए था पहले किसी आलिम के पास जाते। अब आलिम क्या कहता, वकील के पास। सूरह बकरा का जो सेकंड लास्ट रुकू, उसमें पूरा ये पूरा हवाला है कि जब तुम कारोबार करोगे तो तुम फल यक्तुब, तुम लिखोगे, शहीदाइनी रजुलैनी, तुम दो आदिल गवाहों को बिठाकर लिखोगे, और दो आदिल गवाह ना हो तो एक मर्द और दो औरतों को बिठाकर तुम लिखोगे। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का उसलूब है। जहन में रखिएगा, जिस तरह जो शख्स किसी पे जुल्म करता है, ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नफरत करता है। लिखा हुआ है उनके पास, वो कह रहे हैं हमने तो लिख रखा है, लिख रखा है, लेकिन देखिए मैं ये बात करने में कोई हर्ज नहीं है, जो लिखा हुआ है ना तो वो लिखा ही काफ़ी है, वो भी लिखा ही कोट कर रहे हैं। हाँ, वो उसको भी नहीं, तो फिर कहने का मतलब ये पास ही गया। जब किसी ने कहा कि मैंने कर्ज लिया है तो बुजुर्गों ने कहा कि बेटा ये सोचा था कि वापस कैसे करना है, ये आपने लेते हुए सोचा था या नहीं। जब आप ऐसा एग्रीमेंट में जाते हैं पास जाए, देखिए मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप अहनाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, अहनाफ के उलमा हैं, आप फ़िक़्ह जाफी ताल्लुक़ रखते हैं, उलमा मौजूद हैं, आप उनके पास जाएँ, बैठे कि हम ये कारोबार कर रहे हैं। जब फसाद होता है तो उसका मलबा भी उलमा पे डालते हैं ना, कि उलमा अपनी तलकीन नहीं कर रहे। गुजारिश ये है कि जब किसी ने खुदा न खास्ता धोखाधड़ी करनी होती है ना, तो उसको इधर से उधर शिफ्ट होने में कोई वक्त नहीं। हम मौका फराम कर देते, जी मौका फराम कर देते, जब हमने उसको लाइट लिया, मामले को लाइट लिया जी, कि इंशाल्लाह जो है वो सारे भाई मुत्तफिक हैं, आगे चलेगा सिलसिला, किसी के भी नाम पर हो जाए क्या फर्क पड़ता है, तो फिर मामला खराब होती है। और ये खुद हमारा तजर्बा भी है, और जो कभी कभार सादे लोग होते हैं उनके साथ ये मामला होते हैं, उसके बाद ये फिर फहम आता है और अकल आती है कि नहीं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन के साथ होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई के साथ। जैसे अगर वो एग्रीमेंट वगैरह में नहीं मान रहे तो क्या फिर वो जो अपने हक की बात पूछ रहे, तो कि मेरे ख्याल से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो अदालत में जाए तो फिर क्या हक बनता है? अदालत में जाएंगे तो वो तो कानून की जबान पर चलेगी, लेकिन ये कि शरई तौर पर हो सकता है कि चूंकि इनका हक था और उन्होंने मिलाया है, इनको मालूम है कि मेरा कितना फीसद था, तो वो अपना फीसद हिस्सा शरई तौर पर ले सकते हैं, कानूनी तौर पर हो सकता है। किसी ने कहा था ना भाई के बारे में, दारुल इफ्ता जो जहाँ ये रहते हैं, अगर ये अहले सुन्नत से ये करीबी, वहाँ पे जो बड़ा जामिया हो, जो दारुल उलूम हो, नहीं मस्जिद नहीं, जो जामिया हो या दारुल उलूम, वहाँ जाएँ जहाँ उलमा बैठे हों, उलमा का पूरा एक पैनल होता है, तो वहाँ जाके ये अपना पूरा लिखें और फिर वहाँ जाके पेश करेंगे, तो दारुल उलूम है वो उनको फतवा देगा। नहीं वो तो हो गया, लेकिन अगर कानूनी अब एक डॉक्यूमेंट है तो वो तो हम जो हम कर सकते हैं, वो तो आप सही कह रहे हैं, जो हम कर सकते हैं। लेकिन बिलमुम ऐसा होता है जैसे कहते हैं बंदा बड़ा साई है, वो फिर अपने अमल नाल दसदा मैं एडा भी साई नहीं। नूर भाई मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है ये चीज़, चूँकि मैं बाहर रहती हूँ, वहाँ से लोग घर पैसे भेजते हैं तो वालिद के अकाउंट में भेजते हैं, तो कहते हैं वालिद क्या करते हैं, मतलब औलाद के कॉन्सेंट से, कि वो अपने नाम से ले लेते हैं। अब जायदाद के लिए आप पैसे भेजे जा रहे हैं, खुद अबू जान ने भी ऐसा ही किया। तो होता क्या है कि दादा अब्बा जो हैं, उन्होंने जब वफात पाई तो फिर वो सारे बहन भाइयों में या सारे भाइयों में इक्वली तकसीम हो रहा है। हाँ ये भी अच्छा, अब अगर कमाई खाली मेरे वालिद की है और मेरे वालिद भी यहाँ पे आकर मजबूर हैं क्योंकि दादा अब्बा के नाम की है, तो वो क्या करें? अब चाहिए ये है यहाँ पर जो अल्लाह ने कहा है। अब यहाँ पे शर्माने की बजाय इन्होंने एक लिहाज में अपने भाई को खुश करने के लिए चाहिए नहीं था, जब वो यहाँ मौजूद ही नहीं। देखिए दीन में आप अल्लाह रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जब तक हम भाई साहब को नहीं सुनेंगे ये हम बात नहीं कर सकते। नहीं नूर भाई उन्होंने कहा, ये एक मिसाल रख लें, देखिए ना उन्होंने ये बात कही है कि भाई बाहर कमाने गए हुए थे मगर चूंकि हम जॉइंट थे तो हमने उनकी मोहब्बत में उनका नाम डाल दिया। ऐसे मोहब्बत में नाम नहीं डालता, मैं आपस की बात है, कारोबारी लोग सब सोचते हैं हर चीज। लेकिन हम चले, अगर उन्होंने नहीं भी सोचा, मैं आपको बताती हूँ सऊदी अरब में रहने वाले हर चौथे बंदे का, जो हमारे मिलने जुलने वाले गुज़श्ता 30 साल से हैं, उनका ये मसला है कि इतनी फरावानी से आ जा नहीं सकते। वहाँ से वालदैन को या किसी बड़े भाई को या किसी बहनोई को किसी को ही अपना मुख्तार बना के उसे भेजते हैं, वो जायदाद अपने नाम पे लेते हैं और उसके बाद जब खुदा न खासा वफात हो जाती है या झगड़ा हो जाता है या रिश्तों पे नाचाकी हो जाती है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने वो केसेस नहीं देखे, गोलगप्पे वाले का अकाउंट, फलां का अकाउंट, वो क्या होता है आपको नहीं पता? ये आप शनाख्ती कार्ड लेके मुझे बनवाते हैं, वो क्या है? यही तो, ये मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इस मामले में अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो जिससे वो बात भी करें, और आपने बात बिल्कुल सही की, ऐसे बहुत सारे हमने अपने फैमिली शोज में से वो किए हैं स्पेसिफिकली, जहाँ पे जो बीवियाँ भी हैं वो आके वो कहती है कि जी मेरा मियाँ बाहर कमाता है, वो पैसे हमारे नाम पे भेजते हैं, वो मेरे ससुर या मेरी सास के अकाउंट में आता है और हमारे पास कुछ नहीं आता। और फिर वो कहती है कि वैसे जैसे आपने कहा कि पैसे जमा करके कोई चीज़ ले ली जाती तो उसके बाद फिर दावेदार खड़े हो जाते हैं, भाई खड़े हो जाते हैं, बहनें खड़ी हो जाती है कि हमारा इसमें हक है। लेकिन वो बेचारे जो, जैसे कल तकी भाई ने भी कहा था ना कि बहुत सी चीज़ों में नाम नफके में बीवी और बच्चे कैसे लिखा हुआ, उसका तो फर्ज है नहीं। और दूसरी बात ये कि ये भी आपने अक्सर सुना होगा, मुझसे साइन करा लिए। भाई आप कहाँ थे उस वक्त जब आप साइन ऑटोग्राफ दे रहे थे? मतलब आपको पढ़ना है, सादे लोग भी हैं, हाँ जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लवन साहब अगर सादा कागज पर आप सादगी से साइन करेंगे तो उसकी कीमत और करनी पड़ेगी। जिस जो साइन करवाने वाले होते हैं उनके ऊपर इतना भरोसा होता है। ये बात आप सही कह रहे हैं, प्यार मोहब्बत में। अगर उनकी वालिदा हयात थी तो उनको चाहिए था कि वालिदा के नाम पे कर लेते बजाय कि बड़ी भाभी के नाम पे करते, क्योंकि वालिदा उनकी हयात है। खैर एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक जी जी आप देखें, आप जिस तरह वालिद को भेज रहे होते हैं ना, ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक से वापस। वाइफ को भी जरूर भेजें, वाइफ का अकाउंट। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, लाज रख लो गदाए हरम की, भर दो मेरी खाली झोली, भर दो मंगता, तेरी महफिल से खाली गया है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है, लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा कि अपनी किस्मत पे दिल झूमता है, काबा इश्क का हूँ, नमाजी हूँ मैं उनकी इनायत राजी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाज़ी, ये पंजतन का ये अदना गदा है, अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम बात भी कुछ फैमिली सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं। और अभी तो जवेरिया ने इतना जो प्यारा कलाम भी पढ़ा है, ये भी देखिए पंचतन के घराने के हवाले से बात हो रही है, नबी के घराने के हवाले से बात हो रही है कि जिन्होंने अपने आप को अपने दूसरे बहन भाई पे कुर्बान कर दिया। मैं जनाब ज़ैनब के हवाले से बात करूँ, कैसे उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने घर मैं चली जाऊँ आपको ले जाऊँ 10 मुहर्रम वाले दिन, तो उन्होंने अपने ओनो मोहम्मद को अपने भाई पर फिदिया कर दिया, सदका दे दिया। रोई नहीं उन पे कि मैंने अपने भाई को सदका कर दिया अपने बेटे। एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमें ये घराना मिलता है जहाँ पर इतनी मोहब्बत, करम ही करम, फजल ही फजल, बिल्कुल बिल्कुल ये अता ही अता, बिल्कुल। और आज अब जो हम देख रहे हैं, हम उनसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। और मैं स्पेशली अगर फैमिली सिस्टम और फैमिली यूनिट के हवाले से बात करूँ, तो जैसे भी भाई की कॉल आई हुई थी, वो परेशान थे कि भाई, तो नूर भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि अगर हम कहते हैं जी हम तो पंचतन के जो हैं वो आशिक हैं, और साथ में हमने अपनी बहन का हक भी मारा हुआ है, और साथ में भाई का हक भी मारा हुआ है, हमने माँ बाप से वैसे कभी हक बहुत सारी जगहों पे मार के बैठे हुए हैं, मतलब उनका हक अदा ना करें अपनी वसीयत। सबसे बड़ी बात ये होती है इन तमाम आइम्मा से मोहब्बत का तरीक़ा ये कि उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। हद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हद इमाम बाक़र को बिठा कर, हद कि इमाम बाक़र से बच्चे से हैं, मगर बड़ा अजीब जुमला कहूँगा मैं, बच्चा हमारे लिए होता है मगर इनकी औलाद का बच्चा भी ज़माने का इमाम होता है। क्या कहना है तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो इमाम जाफ़र इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे और इमाम बाक़र बैठे, और इमाम बाक़र को नसीहत कर रहे हैं, नसीहत वसीयत क्या करें, देखो बेटे कभी किसी मुतकब्बिर से दोस्ती नहीं करना, कभी किसी बेवकूफ़ से दोस्ती नहीं करना, कभी किसी झूठे से दोस्ती नहीं करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो तमाम आबदीन की जीनत है, वो अपने बेटे इमाम बाक़र से कह रहे हैं। और आखिर में जुमला कहा कि देखो तुम किसी क़ाते रहम से दोस्ती नहीं करना, ये तुम्हें ज़ैनुल आबिदीन नसीहत करता है। अंदाज़ा कीजिए अगर मुझे ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत है, कल बरोज़ क़यामत मैं चेहरा कैसे दिखाऊंगा इनको कि अगर मैं क़तई ताल्लुक़ करने वाला हुआ, मैं रिश्तों को तोड़ने वाला हुआ, मुझे तो ज़िंदगी भर इन्होंने जोड़ने दिया। और मैं आप जब बात करती हैं भाई की बात करती हैं, मैं हज़रत अब्बास को पढ़ता हूँ, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। आज हम कहते हैं ये सतीला है, ये सगा है, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ये सगा और सतीला की बात है। और 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम आरी मकाम इमाम हुसैन कहते हैं, यार आज तो भाई, आज तो भाई के। अच्छा यहाँ फिर क्या जुमला मिलता है, यहाँ माँ बाप की तरबियत बहुत ज़रूरी है। देखें अगर फातिमा जैसी माँ हो तो हसन हुसैन जैसे होते हैं, और उम्म उल बनीन जैसी माँ हो तो अब्बास पैदा होते हैं। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बहन, हम माजत के साथ एक बहुत सच्ची बात कर रहा हूँ, हम नफरतें करना सिखा रहे होते हैं बचपन में कि तेरे भाई ने ये कर दिया, तेरे भाई ने ये कर दिया, तेरी बहन ने ये कर दिया। ये आप कर रहे हो, कान में डाल रहे हो, कान में डाल रहे हो नूर भाई, ये जो बचपन से आप डाल रहे होते हैं ना कि तेरा बड़ा भाई बड़ा जुल्म है, ये तेरी भी चीज़ें खा लेगा, ये फिर वो नफरतें परवान चढ़ती हैं। और फिर वो एक ऐसा आता है फिर जनाजे छोड़ देते हैं, जनाजे हो जाते। कितनी बड़ी बात है कि सगे भाई का घर गली कोने पे, छोटे भाई का जनाजा यहाँ रखा है, और जनाजा गुजरा दुनिया है और बड़ा भाई घर के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला हमें उस दिन से बचाए। लेकिन एक बात आप जैसे वो कह रही थी, दिस इज़ फॉर श्योर, प्लीज़ ये जहन में रखें और 2 घड़ी को सोचें। किसी का हक अगर आपने लिया तो रोज़े क़यामत उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी, तो आप पास होंगे, अल्लाह ने फिर उससे पूछना है। तो ये तो सोचें हुकूकुल्लाह हुकूकुल्लाह बात पे कितनी बात बताऊंगी आपको। पता है बड़ा मुफलिस कौन है? कल क़यामत में नबी इस्लाम ने फरमाया, तुम जानते हो मुफलिस कौन है? या रसूलल्लाह कौन है? फरमाया जो पहाड़ों जितनी नेकियां लेके आएगा, और एक आएगा कि तूने मुझसे गबन किया था, तूने मुझसे धोखा दिया था, और सगी बहन आ गई और कहा परवरदिगार इसने तो सारा मेरा माल छीन लिया था। छोटा भाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी भी नहीं, शीमा जो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी थी, आ गई वो और कहने लगी या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी कौम के लोगों ने भेजा है कि उनके कुछ ताजिर यहाँ पे पकड़े हुए हैं, आपके सहाबा के कुछ लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ है और उन्होंने उन्हें कैद कर रखा है। मालूम है आप क्या फरमाते हैं? मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, इसके लिए सफ़र करके आई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे पैगाम भेज देती, मैं इन सबको आज़ाद कर देता। और वो जब जाने लगती, ये हज़रत शीमा है, वो जब जाने लगती आप आंसू रवा हो जाते, कुछ दिन और रुक जाओ। वो सिर्फ अपने शौहर, बच्चे और कौम की रिक्वेस्ट पे एक दिन के लिए आई थी और वो 2.5 महीने मदीना में रहीं। और वो जाना चाहती भी तो आपकी मोहब्बत में आप उन्हें रोक लेते। ये सिर्फ वो बहन है जिन्होंने बचपन में गोद में उठाया है, जिन्होंने प्यार किया है, उनका हक नबी पाक से। और एक बहन हमारे साथ शबाना कराची से लाइव में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी शबाना, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शबाना क्या पूछना चाहेंगी? मेरा एक सवाल है, अभी मैं शो देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो टॉपिक है सिला रहमी के हवाले से और रिश्तेदारों के हवाले से और बहन भाइयों के हकूक़ के हवाले से। मुझे बेसिकली एक चीज़ ये पूछनी थी कि जब हम जो माशरा इतनी महंगाई में मुब्तला हो चुका है तो हर कोई कमा रहा होता है, जितने बहन भाई कमा, सारे बहन भाई कमा रहे हैं हमारे घर में। हाँ। तो मुझे माँ की जो मोहब्बत है उसमें फ़र्क नज़र आता है। माँ की मोहब्बत में ऐसे फ़र्क नज़र आता है कि जो ज़्यादा कमा रहा है भाई उससे ज़्यादा मोहब्बत है, उसकी ज़्यादा फरमाइशें पूरी हो रही हैं। जो कम कमा रहा है उसकी मतलब उसको हर चीज़ में। शबाना आप भी जॉब करती हो? आप भी? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे तीनों भाई हम मतलब माशाल्लाह हम सब जॉब करते हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ना आपको नजर आ जाता है कि माँ की मोहब्बत में फर्क है। तो आप चारों में से ज्यादा कौन अर्न कर रहा है? ज्यादा सबसे बड़ा वाला भाई लाडला है और अच्छा, वही कमाता भी है, सारी चीजें वो घर की वही करता है। तो छोटा वाला भाई सबसे छोटा, वो पढ़ाई भी करता है और वो कमाता भी है, वो कम भी कमाता है। वो थोड़ा सा लेबाली सा है भाई, तो वो सुनता भी नहीं है बात, वो तंग भी बहुत करता है अम्मी को। लेकिन अम्मी की ना मोहब्बत सबसे बड़े भाई के साथ, इसलिए वो सबकी देखरेख भी करते हैं बड़े भाई। सही है, सही है। अच्छा, लेकिन कुछ जगहों पे इस देखरेख के अलावा मैंने इस पे ना जी एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ऐसे ही भांजी ने मोहतरमा बानो कुदसिया से पूछा कि ये बच्चे जो हैं ये कौन कोई ज़्यादा प्यारा होता है, तो उन्होंने कहा कि जो मानता है वो ज़्यादा प्यारा होता है। अब आप कभी ये गौर कीजिएगा, ये जो आंखें लगना है ना पंजाबी में जिसे कहते हैं, जब आप किसी की मानते हैं ना तो अपने आप को पीछे रखते हैं और उनको आगे रखते हैं। ये आसान नहीं होता, जिसे फरमाबरदारी आप कहते हैं, जिसे आप वो तो वो जीत लेता है दिल। ये आपको भी गौर करिएगा। ये तो अच्छी केस है ना कि वो तो जो बच्चा मानते हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे जो ताबेदार हैं फिर वो तो अच्छे ही रहते, लेकिन बहुत सारे ताबेदार बच्चे अगर दुनिया में सफर भी करें तो क्योंकि जमाना मुख्तलिफ हो गया ना। जी जी। एक साहब रसूल आए और उनके अपने बच्चे को लेकर आए नुमान बिन मुशीर को, कह रहे कि मैं इसको एक गुलाम देना चाहता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तमाम औलाद को दोगे? फरमाया नहीं, मैं इसको दूंगा। फरमाया मोहम्मद पे जुल्म के साथ गवाह नहीं बन सकता, ये जुल्म है। वो कह रहे अदल के ये खिलाफ है, अदल के खिलाफ नहीं, ये जुल्म हो गया कि आप एक को दें और दूसरे को नज़रअंदाज कर दें। अच्छा, कुछ वज़ाइफ बता दूँ कि वो जो पहले भाई ने कहा था कि नफरतें आपस में, आज की रात, कल की रात और परसों की रात, यानी 26, 27, 28 और 29 तीनों दिन ये करना है कि 313 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ना है। सूरह कौसर, सूरह कौसर 313 एक ही सिटिंग में, बहुत अच्छा होगा। एक मरतबा जैसे अभी से हम भी पढ़ना शुरू, अभी भी पढ़ सकते हैं। और उसका पूरा इसाल करना है बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और उनके वसीले से दुआ करनी है, क्योंकि हमने बुजुर्गों सुना है कि नबी तो वैसे भी किसी के नहीं टालते, मगर लाडली बेटी कहते तो नबी बिल्कुल भी नहीं डालते। अब उनका वसीला दे के रब्बे ज़ुल्जलाल की बारगाह में दुआ करनी है, तो मेरा यकीन है कि ये 3 दिन में काम हो जाएगा। अच्छा, एक और वजीफ़ा है, वो ये कि फिर ये कर लें। इसके अलावा ये है कि 1000 मरतबा सूरह इखलास, यानी आज भी, कल भी और परसों भी, वो पढ़ लें। अच्छा, अगर ये भी आप कर लें, और फिर एक और अमल भी है, वो सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान है। वो सुन्नत फ़र्ज़ के दरमियान आप 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और आप तमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल को उसका हदिया कर दें। फजर के वक्त जी, फजर आप फ़ौरन अर्ली जैसी अज़ान फ़ौरन पढ़ लें, बैठ जाएँ, 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आप फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ लें। तो मेरा यकीन है कामिल है, अगर रमज़ान नहीं आएगा उससे पहले अल्लाह आपका मामला हल फरमा देगा। अच्छा, अब नफ़रतें हैं, नफ़रतों के लिए कि आप जो भाई हैं या मेरी बहनें हैं, कभी कभी घर वालों में बहुत शदीद नफरतें होती हैं, उसके लिए आप या वदूदू का विर्द करते हैं। हाँ। चलते और विर्द भी करें और अपनी नफरत बंद करें, अपनी नफरत तो छोड़े पहले। हाँ, अपना बिल्कुल तो बंद करें। हमें ये दिल है ना, इसको साफ करना, अल्लाह के नाम में झाड़ू लगाना है, इसके अत्तक्वा होना। यहाँ अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अजमतें, बल्कि मैं तो कहता हूँ नौजवानों से कि हम जिनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, हम कल क़यामत में उनका चेहरा क्या दिखाएंगे कि जब हमारे दिल काले होंगे। हमारे हम ये तो करम नवाजी कि उन्होंने अपनी मोहब्बत हमारे दिल में डाल दी, मगर हमने अपना चेहरा कर रखा है। तो चेहरा नहीं रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन अभी बाकी हैं, माफ़ी तलब कीजिए। और जिनके दिल तोड़े आपने, वो सगी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, या अगर माँ ने अगर नाइंसाफ़ी की है तो वो भी फिर आज बच्चों को सीने से लगा ले, एक मरतबा कह दे। नौरीन काज़मी चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। यही वाली बात कह रही हूँ कि जो हम रिश्तेदारों से मिलते हैं हम। जी जी नौरीन साहिबा, हम आपको सुन रहे हैं। नौरीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन क्या पूछना चाहेंगी? ददिया आपका बहुत शुक्रिया, नूर भाई का भी बहुत प्यारा प्रोग्राम आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपको देख के जब अहले बैठ कर जिक्र आता है, आपके चेहरे पे जो रौनक आती है ना, वो देख के मैं आपके लिए बहुत दिल से दुआएं करती हूँ। और मैं आपसे करबला में भी इसी मौजूद पर बात कर चुकी हूँ। आप मेरा टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल है और टॉपिक से अनरिलेटेड दूसरा सवाल है, तो मेहरबानी होगी कि दोनों सवालों के मुझे थोड़ी सवाल क्विकली कर दीजिए। पहला तो ये कि जैसे रहमी के मुतालिक बात हो रही है, सारा कुछ रिश्तेदार हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं कि वो हमसे हसद करते हैं और हमारे मुतालिक अच्छे ख्याल नहीं रखते हैं, हमसे हसद करते हैं, हमें जाके जजमेंट करते हैं। तो उनसे हमारा मिलना कैसा है कि हम उनसे दिला रहमी के तौर पर मिलना चाह रहे होते हैं कि हमें मिलना है, मगर हमें पता है कि उनसे मिलेंगे तो वो हमसे हसद करेंगे, या उनके मिलने के बाद हम उनसे हसद करें किसी बात पर जो हमारी नेकियों को सारी को आग की तरह खा जाएगी। उससे मैं बड़ी खौफजदा होती हूँ। सारे मुकाबले से करके हमारे माशाल्लाह के बंदे बैठे हुए हैं, सब अपने अपने हवाले से मुझे प्लीज गाइड करें। और दूसरा अनरिलेटेड टॉपिक ये है कि आज 27 की शब है और कुरान पाक की आज बर्थडे है, और आज मैं रमजान में पूरा देख रही थी कि पूरा रमजान जो है वो तहफाओं के नजूल का महीना है। तो कुरान में जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया इन्ना ज़ल्लना फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल करना शुरू किया, तो हमसे क्या मुराद है इस जुमले में? कई दफा कुरान में मैंने तर्जुमे में पढ़ा कि अल्लाह ताला वाहिद ऐसा वाहिद है जिसकी तकसीम नहीं है, मगर उसने कई जगह अपने आप को हमसे मुखातिब किया। इसके मुतालिक मैं मालूम करना चाह रही हूँ कि मुझे प्लीज इसका पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब लेते हैं। देखिए दोनों का ये आप कतई ताल्लुक नहीं करेंगी, नहीं आप सूरह कदर का पहले बताएं, आप कतई ताल्लुक नहीं करेंगी, आप अपने रिश्ते के मामलात को लिमिट में कर देंगे। वइज़ा ख़ातमुल जाहिलून क़ालू सलामा, आप सलाम जवाब का ताल्लुक ज़रूर रखेंगी लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। याद रखिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में लफ्ज़ जब इन्ना या नहनु आता, ये रब्बे ज़ुल्जलाल की शान कुदरत, उसकी जलालत, उसकी रबूबियत, उसकी खल्लाक़ियत, उसकी रज़ाक़ियत, उसकी वहदानियत का तज़किरा होता है कि हम हैं करने वाले और हमने इस कुरान को नाज़िल किया है कोई इस जैसी किताब है कोई जब है तो फिर वो ऐसी नहीं, वो जमा नहीं है वो बेशक में, लेकिन आपने चूंकि कहा इन्ना और नाहनु जाएगा ना फी लैलतुल क़द्र, हमने नाहनु लफ्ज़ आता है, नाहनु या जब नाहनु आएगा इसका मतलब ये होगा कि हम क्योंकि ज़्यादातर कुरान में सिगा इस्तेमाल बात ये है, सूरह कदर में भी तो इन्ना ही इस्तेमाल है। वो नून का लफ्ज़ देखिए, मैं देखिए नून जब आ जाए इन्ना है ना, इन्ना का मतलब बेशक है, ये इन्ना का मतलब है हम, ये अरबी का लफ्ज़ है। ये और कहां-कहां इस्तेमाल हुआ कुरान में? ये कुरान मजीद में बहुत जगह है। इसमें अल्लाह ताला ने खुद पर अपने लिए हम का सिगा जो है अपने जुल जलाल वल इकराम होने की वजह से खुद को हम कहा है। भाई लखनऊ में लोग खुद को हम कह देते हैं, तो अल्लाह ने अगर खुद को हम कह दिया तो आपको क्या परेशानी है? जी 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 ये लफ्ज़ कुरान मजीद में नून का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो नून अरबी में इस्तेमाल होता है अक्सर औक़ात हमारे लिए, हमारे लिए, तो यहाँ शान जलालत कुदरत के लिए। अच्छा यहाँ भी मैं बात कर दूँ बहन, क्योंकि मुझे वो उसमें सीगों में फंसी थी, मुझे तो एक और सवाल यहाँ से आ गया कि जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम कहते हैं, लेकिन सवाल किताबुल्लाह वो किसके नाम से शुरू हो रहा है? वो मतलब बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है। अच्छा मजे की बात आपकी, अब रहमान में यही लफ्ज़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया रहमा, रहम, यानी अल्लाह सुबहानहू व तआला रिश्तों को जोड़ने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो भी अपने ख़ास सिफाती नामों का इस्तेमाल किया कि जो इन रिश्तों को जोड़ लेगा वो रहमान के साथ जुड़ जाएगा, और जो इन रिश्तों को तोड़ेगा वो रहमान से दूर हो जाएगा। तो आज शब कदर में आपको पता है इस शब कदर में उसकी बख्शिश नहीं होगी जो काते रहम होगा, जो रिश्तों को तोड़ने वाला होगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। वो खाना काबा के अंदर हो, वो हतीम के अंदर हो, वो रो रो के गिड़गिड़ा रहा हो, उसने अपनी माँ का, बहन का, भाई का, चला भी जाए, दुनिया से चला जाए, कोई इसकी बख्शिश नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह मेरे मैं इस प्रोग्राम से दुआ करता हूँ जितने हम सब बैठे नाज़रीन बैठे, अगर हमने रिश्ते तोड़े अगर तोड़े तो अल्लाह हमें जोड़ने वाला बनाए। और मरने से पहले बेहतरीन वक्त है, और आप जब भी प्लीज़ एक तो माफ़ करें और सबसे पहले अपने आप को भी माफ़ करें, फिर बाकी बेशक ये नाम भी ले लें कि मैं मोहम्मद नूरुल हसन बकायमी होशोवास, अल्लाह ताला आपको हाजिर नाजिर जान के मोहम्मद नूरुल हसन को माफ़ करता हूँ, फिर बाकियों के भी नाम लें आप। अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन अपने आप को माफ़ तो आप तो ना, आप किसी को चपेट मार के आओगे मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, आपने पहले से माफ़ी मांगनी है ना, तो बहुत सारी जगहों पे ये इसकी मैं वजाहत कर दूँ क्योंकि अपने आप को माफ़ करें जिससे गलत आप इतने सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, आप इतने जालिम हो जाते हैं अपने मामले में, अपनी आपको इतनी बड़ी लगनी शुरू हो जाती है कि आप खुद से भी कता रहने शुरू कर देते हैं। मैं सबसे मैं मजलूम हूँ, मैं बस अपने आप से बात करें। नूर भाई अलग एक और बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है, अल्लाह ताला ने हमें हमारी जान अमानत दी है, हमारी सेहत हमारे ऊपर अमानत है, हम बसावत अपनी जात के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हैं, सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हैं, खाना ठीक नहीं खा रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। अच्छा फिर ये जो मजलूमियत अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि खुद से भी माफ़ी मांगे, वो उनका मतलब ये है, आप परेशान ना हो। देखिए असल में उनका मकसद वो था। और नूर भाई बात ये है लेकिन देखिए अपने आप से मुझे लगता है कि ठीक है हम तो इधर ही, वो एक चीज है, वो की बात है कि अपने आप को आजाद करने का जानने का तो पता ही नहीं लगता अगले पल वही ना कहानी जा रहे हैं। आपने अपने आप को माफ नहीं किया तो इसकी पकड़ नहीं है, आपने अगले से बात सही है, पकड़ है, इसकी पकड़ भी है, सुनिए इसकी पकड़ है, हदीस शरीफ में है। देखिए वो आपकी बात जो है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए कि वो तो आपकी माफी ही नहीं है, लेकिन हदीस शरीफ के अल्फाज सुनिए, बंदा जब तक कि इन 3-4 चीज़ों का हिसाब नहीं दे देगा वो अपने पाँव नहीं सरका सकेगा क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से। और वो सारी चीज़ें आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड है। पहली, आपने उम्र कहाँ बिताई, आपने माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, आपने अपनी सेहत के साथ क्या किया, आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया? अच्छा अब ये चारों चीजें आपकी जात से रिलेटेड हैं। अब आती है दूसरे की बारी, जब वो आपको आपकी जात के साथ ज्यादती करने का हक नहीं दे रहा, इसीलिए खुदकुशी को हराम कहा, इसलिए उसे आपको सारी उम्र माफ नहीं करा, आपकी अपनी जान आपने ले ली तो क्या किया, नहीं ये उसकी अमानत है, उसने पूछना है, इसलिए माफी मांगी जिसकी अमानत है। आज का एक मैसेज ये, खुदा का वास्ता आप इतने वज़ाइफ पूछते हैं, कभी सोच समझ के सूरह हुजरात को समझ के पढ़ लें। सूरह हुजरात को आप समझेंगे और जब आप कुरान पढ़ेंगे ना, आपको कितनी आयत है सूरह हुजरात में? वैसे मैं कह रहा हूँ कि टाइम अगर पढ़ें तो कितनी देर लगती है? 5 मिनट मैंने कही समझ के पढ़ेंगे 10 मिनट सही, आप आधा घंटा भी दे दें, आप आधा घंटा आपकी जिंदगी आप जहन में रखिए। तो इसबाक हैं आपके जो रिवाइज करते रहे हैं। आज नुज़ूल कुरान के हवाले से 1-2 मैसेज देना चाहता हूँ। पूरे कुरान को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आज एक है मक्की सूरतें और एक मदनी सूरत। मेरी बख्शिश होगी, आपकी भी होगी, मैं मैसेज दे के जा रहा हूँ। मदनी सूरतों के 3 मज़ामीन हैं, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आख़रत। ये जितनी मक्की सूरतें पूरे कुरान के अंदर। अब मदनी सूरतों का मौजू है मुआशरत, रियासत, घर, आयली ज़िंदगी और तर्ज़ ज़िंदगी, मामलात, तमाम चीज़ें ये मदनी सूरतों में। तो अगर आप पूरे कुरान में खुलासा चाहते हैं वो 1 मिनट के अंदर आ गया। अब दोबारा हम कहते हैं मदनी मक्की सूरतों में अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आख़रत और मदनी सूरतों के अंदर रियासत, पूरी जिंदगी की शोभा। अच्छा आप लोगों से एक सवाल मेरे साथ ही चुके जा रहे हैं। वो हमारे पिछले बार सुनने में आया कि मदीना कोई लफ्ज ही नहीं है, मदीना तो शहर होता है, तैयबा सही लफ्ज है। आप क्या फरमाएंगे? मदीना का सिटी, मदीना अरबी में कहते हैं शहर। जी जी बिल्कुल। असल में आपने ब्रेक में जाना है, मदीना नहीं मदीना अल मुनव्वरा है। नहीं ठीक है, लेकिन मदनी सूरतें कहते हैं ना, पहले कि हम ब्रेक तैयबा की सूरतें तो नहीं कहते। मैं तो अपनी समा की पूरी टीम का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, अपनी ट्रांसमिशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। एक तो खैर हमने एक इबादत भी की और मुझे एक बड़ा अच्छा भाई नूर रहमानी भाई की सूरत में भी दिया, तो थैंक यू सो मच यार नूर भाई। क्या हमारे आखिर में मुफ्ती जो हाँ, तो हमारे इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी भाई जो है ये हमारा उनसे रिश्ता बनी गया। अपने बाबरकत महीने में इतना प्यारा अल्लाह मियां ने हमें अपने रिश्ता दिया, तो थैंक यू सो मच जी। नूर भाई हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग कहीं में जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं और हम आ गए हैं अपने किचन में जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी नाज़िया मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। नाज़िया मुझे बताया आज आप क्या बना रही थी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी थ्रू आउट द स्टार्ट ऑफ द शो, क्या क्या सॉसेस डाल रही थी? भाई मैंने आज बर्गर बनाया है और ये है होममेड बर्गर, पर इसमें कुछ चीज़ें मैंने एडिशन की जब मैंने देखा कि इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, तो थोड़ा चेंज कर दूँ। तो रेसिपी कार्ड में आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसमें एक तो मैंने इसमें कैरामलाइज अनियन डाले, जो मैंने पहले नॉर्मल अनियन डालने लगी थी, फिर मैंने उनको कैरामलाइज कर दिया, जो शुगर रेसिपी में नहीं लिखी होगी। फिर मैंने क्या किया कि इसमें मैंने क्यूकम्बर पहले नॉर्मल डाल रही थी, फिर मैंने इसमें मैं दोनों चीज़ें कर सकते हैं। फिर मैंने क्यूकम्बर का जो है ना पिकल्स बना लिए, जो घर पर आप पिकल्स बना सकते हैं। क्विकली मैं पिकल्स बना लेती हूँ विद विनेगर, वाटर एंड सॉल्ट। उसको आप पानी में पका लें, आपके पिकल्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने इसमें जो ये खैर बाकी है कि बर्गर है कि बर्गर में एक और चीज़ जो एडिशनल की, इसमें दोनों तरह से आप बना सकते हैं। एक है ब्रेड क्रम्स लगाकर इसको आप फ्राई करें, और दूसरा कि या फिर आप नॉर्मल इसको ब्रेड क्रम्स के बगैर, क्योंकि यूजली घर पे ब्रेड क्रम्स नहीं होते हैं, तो आप नॉर्मली जो है ना इसको फ्राई कर लें। अच्छा, बस इसमें जो सॉस बनी है, सॉस में मैंने ऐड किया है मेयोनीज, केचप, चिली सॉस, लहसुन, दही एंड लाल मिर्च पाउडर, और उसमें थोड़ा सा अगर सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। थोड़ी खट्टी सॉस होती है तो इसलिए इसमें या पर तो अनियन आप ऐड ऑन करें या फिर कैरमलाइज अनियन जो है ना वो ऐड करें। फिर चीज़ है इसमें, सलाद का पत्ता है, बर्गर पैटी है और पिकल्स डालें और ये बर्गर तैयार। अब आप देखें इसको, ये जो है किसी आपने बाहर का जो बर्गर होता है जो आप 800-800 का ले रहे होते हैं उससे कम नहीं है, तो आप ईजिली घर में बर्गर्स बना सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। तो ये बर्गर तो कितनी अच्छी में खुशबू आ रही थी, तो आराम से बर्गर, तो बच्चे तो स्पेशली ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब अच्छी डेकोरेशन आज मिसिंग आमेना, आज आमेना होती बाकी कल तो नाराज़ थी भाई क्योंकि उसका जूस नहीं मिल रहा था। अच्छा, और हम ड्रिंक में क्या बनाने जा रहे हैं? ड्रिंक में बना रही हूँ, मैंने बनाया है एप्पल आइस टी। अच्छा, ये इसमें हम एप्पल जूस लेंगे जो आपको डब्बे वाला मिल जाता है वो ले लेंगे। इसमें हमने बनाना है ग्रीन टी, जो है वो सिनेमन के साथ इसको आपने पका लेना है। अच्छा, ग्रीन टी को ठीक है, और इसे ठंडा कर देंगे, बर्फ लेंगे। अच्छा, ग्रीन टी के अलावा हम दूसरी भी तो जो चाय वाली चीज वो भी तो बना सकते हैं ना, चाय वाली। बिल्कुल बिल्कुल, चाय वाली भी अक्सर मैं कहती हूँ कि आपने अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो आप चाय वाली टी जिस तरह होती है खाली ना 2-3 सिप भी ले लें और लिया जरूर करें, उससे एक हाजमा भी होता है और अच्छा भी रहता है वो। इसी तरह ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है, हम ग्रीन टी ले लें, चाय ले लें, लेकिन सिनेमन ऐड उसमें जरूर करें क्योंकि सिनेमन का एक जो दालचीनी का एक ना खुशबू आएगी। हमने मिंट ले लेना है, बर्फ लेंगे, बर्फ में हमने ऐड ऑन कर लेना है एप्पल जूस, और ये भी वही ठंडा ठंडा होगा। अच्छा, बर्फ का बहुत कमाल होता है गर्मियों के दिनों में ना, क्या मज़ा आता है ऐसी ड्रिंक का। फिर हमने ग्रीन टी ले लेनी है जिसको मैंने ठंडा कर दिया विद दालचीनी, और चंद पत्ते जो हैं इसमें हमने मिंट के ले लिए। अच्छा, इस बहाने सीख लेंगे। वो जब कभी किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना तो यकीन माने वो कि आपको 800-900 का अगर आप अच्छी उनसे मंगाए, जी मुझे पीच आइस टी लेनी है, मुझे कुछ भी लेनी है तो ठीक ठाक। अच्छा, एक आइस टी बनाने का एक अलहदा तरीका भी होता है। अगर आपने हर्बल बनानी है उसमें होता है कि आप एप्पल के छिलकों को बॉयल करते हैं और फिर आप यूज़ करें। अच्छा, जो लोग वैसे आइस टी नहीं, जो लोग ग्रीन टी नहीं पी सकते ना वो इस तरह शायद इतनी अफादियत ना हो, ये तो मेरा ही बताएंगी इतनी फादियत होती है उनमें। हाँ, मतलब नहीं अगर हम उसे ठंडा करके पिए तो दोनों सूरतों में फिर तो करामत होती है, फिर तो पास है ना, फिर पास है। लेकिन यूजुअली मतलब ये हम इसको ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्लैक टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद। और फायदेमंद ब्लैक टी, उसका टेस्ट भी इतना मज़ेदार आता है ना उसका। लेकिन आज हमने ग्रीन टी के साथ इसको किया तो जनाब ये देखें, बहुत ही यम्मी ड्रिंक है। खुशी खुशी आप इसको खाएं, उसके बाद खुशी खुशी आप कहिए आज मैंने ग्रीन टी, ओ माय गॉड, मैंने जरा ठंडी ग्रीन टी, आइस ग्रीन टी पी ली। बिल्कुल आइस, तो आइस एप्पल टी जो है वो आपके लिए जनाब यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आप कल के ड्रिंक की रसीद तो मुझसे ले लें, वो तो बहुत अच्छा बना। अच्छा, थैंक यू। सो आपने तारीफ करी क्योंकि इतने दिनों तक 2 दफा तारीफ हुई है, सबने एक सिप हम सबने मिलके पिया और इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग और बहुत अच्छा। उसका मिंट का जो था ना वो डाइजेस्टिव, उसके लिए भी बहुत अच्छा था। चलें, दैट इज सो गुड। आज मैंने मिंट के साथ बनाई, आपने मिस कर दी, एप्पल आइस टी है। अच्छा जी, और ये बड़ी डिलीशियस है। इसकी रसीद कल देंगे हम आपको, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू जी। नाज़िया हमारे साथ मौजूद है और उम्मे भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी हैं आप? उम्मे तो इतनी प्यारी लग रही है। उम्मे सर मुझे चल कर है ना ताकि लोग बात चले। उम्मे तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे लखनऊ से फ्लाइट लैंड की है और वो आ गई है बराह रास्त। नहीं उम्मे माशाल्लाह वैसी भी इतनी प्यारी, उम्मे कुछ भी पहले तो वो सही एक्सपेरिमेंटेशन भी करती हुई अच्छी लगती है। उन पर उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा माजिदा का करार है, साल बाद निकाला है मैंने और इतना खूबसूरत है मेरी, कितना प्यारा कलर, बहुत कुछ नहीं वेरी इंग्लिश कलर। इसको मैं आपको सही बताऊँ, आप जाना पठान आपको बोलेंगे बाजी बहुत इंग्लिश कलर आया है, बड़ा हटके कलर है ना। क्या बात है। आपको पता है जो वालिदा की याद है ना, इसको बेटियां जैसे याद रखती है ना, वो बेटों को तौफीक नहीं होती। वो वाली मुझे लगता है नहीं, बेटे भी करते हैं वो, बेटियां उनकी चीजें संभाल कर लड़कों के बस में नहीं है वो। हाँ लड़के, लेकिन लड़कों को अंदाज नहीं आते ये वाले। एग्जैक्टली, बहुत से बच्चों को अंदाज नहीं आते। लेकिन मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेके, आपने वालिदा की बात की तो मेरी वालदा मेरी मदर इन लॉ परवीन सरवारी, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं। मुझे भी थोड़ी देर पहले उनका मैसेज आया कि उनको भी आईसीयू में एडमिट किया। तो मैं आज स्पेशली आप जो दुआ कराएंगे ना फसी भाई, तो अम्मी को जो है ना जरूर हाँ, मेरी अपनी अम्मी भी अलमास बुखारी तो खैर बहुत अच्छे से बीमार है। तो हम हमेशा दुआ करते हैं ना कि बीमार करबला के सदके में शफा को लिया, तो प्लीज़ ज़रूर, पता नहीं किसकी दुआ जल्दी मैंने कहा जी। उम्मे क्या बना? अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक जो है वो है बही, सफरजल। बही का जिक्र बहुत ना होगा, वो जिसके कहते हैं दिल के लिए बहुत भी आते हैं, बच्चों के लिए आता है, मुरब्बा भी बनता है। तो अब अच्छा मुरब्बा लोग बहुत वो होते हैं कि जी मीठा, वही वो नाशपाती वाला, वही नाशपाती की तरह होता है वो, मतलब सेब की फैमिली से होता है। वही कहते हैं उसको, सफरजल भी कहते हैं, कोइंस भी कहते हैं। हम आज उसके हमने दाने रखे हुए, मतलब सीड्स रखे हुए। पहले बताऊं जो हदीस का मफहूम है ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई नबी ऐसा मामूर नहीं फरमाया जिसको जन्नत का सफरजल ना खिलाया हो, और इस एक फल में 40 अफराद के बराबर ताकत है। उसकी वजह ही है, मतलब इतना ये ताकतवर है। और मुरब्बा भी होता है, रब्बा भी होता है। मुरब्बा ऐसे डायरेक्ट खाना मुश्किल होता है। अच्छा मुरब्बा ये कि ऑब्वियसली मिठास में, शुगर में बना हुआ होता है, तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। उसकी चाय भी बना के पी जा सकती है, उसके बीज को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सफरजल के यानी बही के पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सब में उतनी ही अफादियत है। सबसे मेन जो है ये इस्तेमाल होता है दिल के लिए, हार्ट टॉनिक कहा जाता है कि दिल के लिए कि अमेज़ा भी इसका बना लेते हैं, फिर बही का ही अमेज़ा भी बिल्कुल बन जाएगा। तो दिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैलिक एसिड होता है जो कि यूरिक एसिड भी बॉडी से निकाल देता है, तो ये पेट के लिए मतलब अल्सर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। क्या बात और है। हार्ट के लिए तो खैर है ही, मतलब हार्ट का कोई भी पेशेंट हो, अगर उसको मतलब डायबिटीज़ भी है तो वो मुरब्बा ना खाए, लेकिन वो बही की चाय बना के पी सकते हैं, बही दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने जो रखा उसका टॉनिक बनाने का तरीका ये था कि हमने बही दाना लिया, इससे कि बहुत से पेशेंट शिकायत करते हैं जी शुगर का भी मसला है तो हम कैसे इस्तेमाल करें, तो वो इस वजह से भी बही को इस्तेमाल नहीं करते कि तो मुरब्बा ही खाया जा सकता है। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे चाय बनती है कहवा, तकरीबन 2 कप पानी लिया है, 1 चमचा ये बही दाना आपने डाला है, और ये है अर्जुन की छाल, इस सूरत में होती है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा इतना सा ये उसमें डाल के आपने पकने रख दिया। जब वो पानी पक के इतना हो जाएगा कि 1 कप रह जाएगा, तो वो जो भी जिनको दिल का कोई भी मसला है, इसलिए कि हदीस का मफहूम है कि आपके मतलब दिल की जो तकलीफ है उसको दूर करता है और सीने के जो भारीपन है उसको भी दूर करता है। अच्छा, क्या दिल के अमराज को तो ये बिल्कुल सही करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है ये। तो अर्जुन की छाल और इनको मिला के जब हम बनाते हैं, कहवा बना लें या इसका पानी बना लें, लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता होगा। लंग्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये पेट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, उनके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। पेट के अमराज को उम्मुल अमराज कहा जाता है क्योंकि उसी से सारे बाकी सब कुछ सही बात कह रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से जो हार्ट पेशेंट है, किसी भी कंडीशन में हार्ट का कोई भी इशू है, वो अर्जुन की छाल के साथ जो बही दाना है इसका बना के कहवा पीना शुरू कर दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला कि इसमें है कि दिल का कोई भी मसला इससे इंशाल्लाह ताला उसमें मुकम्मल शफायाबी मिलेगी। अच्छा, आपने पेट के अमराज की बात की, शुगर को भी उम्मुल अमराज कहा जाता है। शुगर से भी मतलब वो भी हर मर्ज की जो है माउसी से शुरू होती है कि जी आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, आपकी किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ब्लड प्रेशर आपको हो रहा है, और बहुत तो उसमें भी शुगर उम्मुल अमराज से शुगर इंसान को खा जाती है। हाँ। शुगर जो है उसको कहते हैं कि वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह पैरासाइट है। हाँ बिल्कुल, वो इंसान को खा जाती है अगर शुगर का अल्लाह ना करे। परसों ही किसी ने कहा था रोटी बंदा खा जाती है, काशिफ भाई कह रहे थे बात तो ऐसी बस वो फिर इस तरह से। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, गुड़मार बूटी होती है, करेले का छिलका होता है, आम की छाल जो दरख्त की छाल है, ये सब चीजें नेचुरली होती है। इसकी ना खुशबू भी मैं हैरान हूँ, बीच से भी इतनी मजे की, मैं यहाँ खड़ी हूँ और इसकी बहुत खूबसूरत और ये बहुत अच्छा आप लेकिन घर में बच्चों को, जिनके घरों में बच्चे हैं, इसलिए कि हमारे होता है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे का मेंटल मतलब मेमोरी अच्छी नहीं है या फिजिकली उसकी ग्रोथ नहीं आई, तो उनको भई का मुरब्बा देना बहुत अच्छा है। जैसे कि वो तो बच्चा इजीली मुरब्बा या जैम जो है वो खा सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो जो है ये भई किसी भी तरह से, अगर भई मौजूद नहीं है तो उसका पत्ते इस्तेमाल कर लें, भई दाना इजीली मिलता है वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये रूटीन में रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में ख़वातीन को जो इशू होता है नौजिया होता है उसके लिए भी भई बहुत अच्छा है, वो भी अगर खाती हैं तो वो उनके लिए, उनके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। वो बड़ा तकलीफ से होता है वो जो मुसलसल नौजिया आपको खा सकते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो उनको बही का मुरब्बा खिलाना चाहिए या बही की चाय पिलानी चाहिए या बही दाना खिलाना चाहिए। बही दाना अच्छा वैसे भी यानी कि उसको सफूफ की सूरत में खिला दें, उसको पाउडर बना के खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा इसकी चाय बना लें या इसका कोई ड्रिंक बना ले कि आपने खूब पका के। चाय किसी पकी चाय सिर्फ ये है कि आपने पानी में, जैसे एक गिलास पानी में आपने एक चमचा डाल दिया, सिंपल इसको पका लिया, अच्छी तरह से पका लिया कि पानी आधा रह जाए। अच्छा, इसको आप गर्म भी पी सकते हैं, इसको एक साथ भी पी सकते हैं या थोड़ा थोड़ा करके भी पी सकते हैं, या खौलते पानी में ये डाल दीजिए। जो रूटीन में पीने के लिए खवातीन के लिए बता रही हूँ कि पूरा एक जग पानी रख लिया खौलता हुआ, उसको आपने चूल्हे से उतारा, एक चमचा भर के डाल दिया, उसको ढक के रख दिया। अब पूरा दिन जो पानी है थोड़ा थोड़ा करके एक सिप करके वो पानी पीते रहना, तो वो उनको जो नौजिया वो नहीं होगा। अगर उसमें ज्यादा उनको होती है तो पुदीना हमारे घर में मौजूद होता है, चंद पत्तियां पुदीने की और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो, ठीक है। तो वो अगर मदीना मुनव्वरा से पुदीना आया हो, जैसे अनवर हुसैन साहब के लॉन में लगा हुआ है, तो वो तो आपको पता है लोग लेकर आते हैं और वो उसकी महक ही कुछ और है। मदिया ये आपको अंदाजा है? मुझे तो कभी ऐसे तबरुक नहीं। हाँ भाई, मैंने अनवर मसूद साहब के घर मुझे दिखाया, उन्होंने कहा ये देखो मदीना मुनव्वरा और जरा सूंघो और क्या महक। ये मैं उनके बेटे से स्पेशली कहूंगी, आप जब हाजिरी आपने जाना है तो आप ये लेकर आए और फिर इसको लगाएं अपने घर में भी। वो मिलता है फलस्तीन में, मिलता है सफेद पुदीना। अच्छा जी। वो भी बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, वो बहुत ही जबरदस्त है, वो बहुत बेनिफिशियल। क्या बात है, देखिए हमने कभी व्हाइट पुदीना मैंने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो वो भी बड़ी, उसकी भी बड़ी अफादियत है और लोग उसको बड़ा लेके आते हैं, बड़ी मतलब शॉप से मिल जाता है, लेकिन वो बहुत फायदेमंद। सही, चले ठीक है, थैंक यू सो मच जी। भाई क्या ज़बरदस्त ने वो जो बही, क्योंकि हमें मुझे तो मालूम नहीं था, बाहर भी आपने ट्रैवल करे तो वहाँ पे क्वींस जैम मिलता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे समझ में आता, मैंने कहा पता नहीं शायद कोई ब्रांड हो, लेकिन पता चला कि अच्छा नहीं, ये बेसिकली जो बही का जैम होता है हाँ उसको कहते हैं जी क्वींस जैम, और उसके वो कहते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा, आप बच्चों को भी खिलाएं। तो खैर थैंक यू सो मच जी, बड़ी अच्छी चीज़ बताई है जी नूर भाई। हाँ जी, और क्योंकि हम जरा क्योंकि आज स्पेशली जरा तिब्बे नबी के हवाले से मैं चाहूँगी मैमूना पा ज़रा आप भी, क्योंकि देखिए कितनी आसान हमने अपनी ज़िंदगी कर दी, थैंक यू नूर भाई जज़ाकल्लाह, कि कितनी हमने आसान ज़िंदगी अपनी कर ली है कि हम बजाय ये कि हम ठीक है बहुत सारी हमारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन तिब्बे नबी में तो इस्तेमाल की हुई हर चीज़ के फ़वाद ही फ़वाद, नुकसान तो कहीं भी नहीं है। तिब्बे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनकी भी कब्रें मुनव्वर रखे जिन्होंने इसे कलेक्ट करके हम तक पहुँचाया है। खालिद गज़नवी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन, ज्यादातर तो उन्हीं की ही किताब से मैं खुद भी प्रैक्टिकल जिन्होंने लाए हैं वो बहुत बड़ा काम, क्योंकि उन्होंने कंपाइल तो किया, लेकिन और हम लोग छोटे छोटे नुस्खे जो घर में, जैसे गला खराब हो गया छोटे बच्चों के लिए, तो हम तिब्बे नबी से ही अब तक घरों में यही चला आ रहा है। और मैंने देखा है कि उसमें एक खास बरकत और रहमत भी होती है, या गालिबन हमारा यकीन होता है, होनी चाहिए नियत खालिस होनी चाहिए और आपका ईमान होना चाहिए, यकीन। हमें ये पता है ना कि इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब वो जैसे तलबीना है, हम सारा हमारे देखिए खाना में सब कुछ वो होता है, लेकिन जब हम तलबीना बना रहे हैं तो हमारी ये नीयत है कि ऐसा फरमाया था और ये इसमें डाला है तो ताकत मिलेगी, तो वो लम्हे भर को ऐसा फील होता है कि ताकत आ गई। ओट्स जब हम कहते हैं तब हमें ठीक लगता है, तलवीने में जरा मुश्किल में चले जाते हैं, वही वाइट ओट्स होते तो ठीक लगता है। अच्छा, एक मैं चाहूँगी कभी उम्मीद आप उस पर भी करें, वो जो उमाली, वो उमाली कहते हैं कि जी जो जनाब फातिमा बिनते असद हज़रत अली को बना के दिया करती थी, तो भी जौ को भी बनता था वो रोटी और वो दूध का वो मिलके बना करता था, जौ का दूध का। तो जरा मैं चाहूँगी आगे आने वाले दौर में आप वो उमाली के वाले से भी जरूर तस्करा करें। नहीं जी ज़रूर, ये और देखें हम सबको अपनी जड़ों से मुत्तसिल रहना है अगर ग्रो करना है। हमें पता हो कि हमारी बिलोंगिंग क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है आपकी सकाफत के लिए, आपके दीन के लिए, आपकी सारा नशस्तो बर्खास्त के लिए, पहनावे के लिए। अगर मिसाल के तौर पे माजरत के साथ कराची की कोई इमारत मुझे लगे और मैं कहूँ ये तो बिल्कुल दुबई लगता है, उसको कराची लगना चाहिए, दुबई नहीं लगना चाहिए, दुबई को ही दुबई लगना चाहिए। तो वो हमारी क्या माशरत है और हमारा क्या पहनावा है, वही पहचान है। वैसे वही आएगा जहाँ से रूह बिलोंग करती है। असल जो है ना, असल वो जो असल वाले हैं वही नहीं भूलता। जो लोग आपको इस वक्त में बहुत अच्छे लगते हैं आपस में, वो कहीं आलम अरवा में भी साथ ही होते हैं। मैं आपको बताऊँ इस वक्त असल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक है, ब्रेक आ गई है, हमें छोटी सी ब्रेक ही बहुत डांट पड़ेगी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नैयराबाद की फरमाइश पेश करता हूँ। हमारे फ़ख्र नात खाना ने पाकिस्तान जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब का कलाम के लिए असुबह बदा मिन क़ालअतिही वल्लैल कारी वही ज़फ़र कासमी साहब को सलामत रखे। और मैं बड़े हमारे मोहसिनों में से वो भी, और ये भी मुझे लगता है कि लोरी की तर्ज और अभी ये भी एहसास हुआ फजी भाई कि दोनों तर्ज एक ही है। ये उसी में ही वो फिर आगे वो भी पढ़ा गया कलाम इकबाल अज़ीम साहब का भी कि हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे ये दिन हम सबके नसीब में। अल्लाह आप माशाल्लाह तशरीफ ले जा रही है। अच्छा मुझे वैसे फजी भाई आप तो माशाल्लाह इतनी दफ़ा जाते भी हैं और आप मतलब हर दिल अजीज़ क्या छोटे बड़े सबके आप इतने फेवरेट नाथवान में। आपकी जब पहली बार मदीना हाज़िरी हुई थी, मैं अपनी अम्मी के साथ, अपनी अब्बा जी और अपने वालदा के साथ गया 1985 में। ये हज हज था नहीं, उम्रा, वो भी रमज़ान शरीफ 1985 रमज़ान शरीफ का उम्रा था। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो ज़माना था कि जिस वक्त मवाजा शरीफ पर ख़वातीन भी सलाम के लिए हाज़िर होती थी और मैं अपनी अम्मी की व्हील चेयर चला रहा था तो वो मुअल्लिम ज़ोर ज़ोर से पढ़वाते थे सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बिल्कुल जालियों के आगे, मवाजा शरीफ सुनहरी जालियों के आगे। तो आपने उस वक्त कोई जो आपने नात जो आपको पहले याद हो, आपने उनके वहाँ जाके उनके दरबार में, एक्चुअली उनके दरबार में जाके मैं जो मैंने वहाँ पढ़ा वो सुनाया। जो आपके हज हैं आप उनके साथ उम्रा करने गए? अम्मी के साथ मैं पढ़ता था हर जगह। अच्छा वाह। ये पढ़ता था दूर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अम्मी की बिल से क्या होता ये पढ़ रहा था सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कितनी प्यारी बात थी कि अपने हज के साथ उम्र पे। अच्छा मगर मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि अब्बा जी की तो दुआ कि मेरा बेटा नात का हाफिज बने, आपका कौन सा पढ़ा हुआ कलाम आपकी वालदा माजिदा को बहुत पसंद था या कभी आपसे फरमाइश उन्होंने अगर की? देखिए मैंने जो अगर सुल्तान बाबू को पढ़ा है ना, वो इस अपने शऊर में अपनी वालदा को ही मैं पढ़ते सुनता था घर में। अच्छा, सबसे पहले आपने उनको ही सुना? अलिफ अल्लाह चंबे दी बेटी वो पढ़ रही होती है। अच्छा, तो ये आपने दोनों से आई है, आपकी वालदा से भी? आपकी वालदा वो अमृतसर से थी ना जी वालदा, और वालदा लाहौर से, लाहौर से, और अब्बा जी अमृतसर से। तो वो चूंकि जब हमने होश संभाला तो मेरे को यही पढ़ते देखा अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनको शायद याद थे। जी जी, कई अशआर याद थे। अल्लाह अकबर कबीर। ये जो शेर पढ़ते हैं ना, ईमान सलामत हर कोई मंगे इश्क सलामत कोई, ये मेरी अम्मी पढ़ती थी। तो ये आपसे कह रही थी हमने सुनना किसी वक्त आपसे। हमें फसी भाई हमें सुनाए जो फिर आपकी वालदा से पढ़ती थी, हमें उस स्टाइल। अच्छा मैं अलिफ अल्लाह सुनाता हूं। जी जी, जैसे आपकी वालदा से वो नहीं स्टाइल, वो पता है अम्मी का अपना ही स्टाइल था। अच्छा, लेकिन कुछ अगर थोड़ा सा याद करें कैसा था तो थोड़ा सा अलिफ अल्लाह चंबे मुर्शिद मन मेरे विच लाई हो। अच्छा वो मुर्शिद कहते हैं। हाँ हाँ, मुर्शिद मेरे बाद में चलाई, वो उसमें भी यही है, अम्मी मुर्शिद कहते हैं। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन हुसैन मुबशिर बताते थे, ये नहीं पता था। उन्होंने कहा चंबे की जो बूटी अगर आप उसकी शेप देखें तो वो अल्लाह की शक्ल में, ये इसका पूरा वो सुभान अल्लाह ये सौदे का। तो उन्होंने कहा कभी वो देखो तो सही कि वो कैसा है, पर नहीं बाकी हमारे हमने नहीं कभी गौर किया। मैंने तो कभी वो चंबे की बूटी वो है। हां ये देखो ना कैसी। तो मैं सोचता हूं कि ये फुकरा और ये उलमा और ये जो फुकरा हैं, ये कैसी सादा सादा मिसालों से आपको रब के साथ जोड़ते थे, कैसे कैसे बहानों से, लोरियों से, बातों से, आपके माशरे की चीज़ों से कैसी अच्छी जोड़ा। अच्छा, आज ना क्योंकि आज हमने स्पेसिफिकली बात भी की हमने अपने शो के आगाज़ में, इस वक्त कामरान भाई स्टूडियो में मौजूद नहीं थे, तो क्योंकि आज हमने स्पेसिफिकली फैमिली यूनिट के वाले से बात की, हमें इतने हमारे भाइयों की जी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो हमें कॉल भी की, वो बेचारे बड़े परेशान, अल्लाह पाक उनकी मुश्किल को हल करे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद है, जैसे हम कामरान भाई के वाले से बात कर रहे थे कि इन्होंने अपने भाई को आज से तकरीबन 20 साल पहले अपनी किडनी जो है वो कहते हैं भाई भाइयों के सज्जन होंदे भाई भाइयों दी बावां प्यो दे सिर दा ताज मोहम्मद मावां ठंडियां छावां। तो आप तो माशाल्लाह 23 साल क्या उस वक्त क्या हालात थे, क्या हुआ था कि आपने फिर भाई को किडनी लाइफ थी जी उस वक्त? अब्बा जी से मैं इजाज़त लेने गया तो अब्बा जी ने पहले इजाज़त नहीं दी, को 5-6 दफ़ा अब्बा जी के पास गया हूँ तो अब्बा जी खामोशी इख्तियार की, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो 7वीं दफ़ा जब मैं जाके उनके पास बैठा हूँ तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा हुज़ूर मेरा भाई बहुत तकलीफ़ में है, वो बेड से इतना उछलते थे, दोनों किडनी एक्सपायर हो गई थी। तो अब्बा जी ने काफ़ी देर को सर पर हाथ रख के बैठे रहे, फिर एकदम दुआ की, कहने के जाओ अल्लाह पाक करम फरमाएगा। तो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के पास, ये आप किन की बात कर रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह अजीब मेमोरी है जी जी। आप उनके पास गए, अच्छे बार आप गए, फिर सातवीं बार उनसे इजाज़त जब भी मांगता था वो खामोशी इख्तियार करते थे, इजाज़त नहीं देते थे। और डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के पास ये तकरीबन 6-7 दफ़ा ऑपरेशन की डेट कैंसिल हुई है, शायद एक दफ़ा डेट कैंसिल हो जाए तो साल बाद 1.5 साल बाद मिलती है, और हर हफ्ते डेट मिल रही थी। और मैं बार बार सबसे यही कह रहा था कि जब तक अब्बा जी की इजाज़त नहीं होगी ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। और 7वीं बार क्या कहा उन्होंने? जब उन्होंने दुआ फरमाई, कहने लगे अल्लाह पाक खैर के मामलात करेगा, और आज खैर ही खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हमारे सामने। अल्लाह अच्छा उस वक्त आप तो बड़े यंग होंगे, मतलब जो कॉलेज वगैरह की बात है 22 साल के, तो आपने जैसे बोला कि आपके भाई इतनी तकलीफ में थे, अब देखें अल्लाह मियाँ ये भाई भी है कि बार बार जाके। तो वो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, कहने लगा आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है या आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो मुझे कहता आप क्या करते हैं? तो मैंने उसको बताया कि मेरी ये जॉब है और ये स्टूडेंट लाइफ है मेरी, और ये काम करता हूँ, और उसके अलावा नात खानी का शौक है। तो मुझे कहने लगा शायद पहले नात सुनाएं। एनेस्थीसिया का डॉक्टर जो था ओटी में जब हम गए तो ये ऑपरेशन थिएटर की हो रही थी, ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर था उसने कहा पहले नात सुनाएं। जब मैंने नात सुनाई, मैंने ये कलाम सुनाया मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, तो रोने लगा हजारों के तार। और जब मैंने उससे पूछा मैंने डॉक्टर साहब आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगा यार ऑपरेशन के बाद तुम इतनी आवाज से पढ़ नहीं सकोगे, और हम आपकी किरात सुन रहे हैं माशाल्लाह। और मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा कि मैं जिस बारगाह से इजाज़त लेके आया हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इससे डबल मेरा आवाज़ मेरी इससे डबल होगी, और अल्लाह पाक ने वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो हम किरत में सुनते हैं, किरत में। तो हम उसी ब्रेक से हम उसी कलाम से, मैं तो पंचतन का गुलाम, हम बेसब पंचतन के गुलाम है, लेकिन उसी आप पर्दे हम उसी ब्रेक पे चले जाएंगे। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मुझे इश्क़ है तो खुदा से है, मुझे इश्क़ है तो रसूल से, ये करम है आले रसूल का, ये करम है। जबी मेरी हूँ संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हूँ संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है यही है एक जीने का दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। नदामत है गुनाहों पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर, नदामत है गुनाहों पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर, मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हशीर मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हशीर मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा परेशानी में जब मैंने पुकारा या रसूल अल्लाह, परेशानी में जब मैंने पुकारा या रसूल अल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। का जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। इलाहुल आलमीन हमारी इबादत को कबूल फरमा।